हाउस में एवरीवन, माय नेम इज मारी पेन, वेलकम बैक एवरीवन टू हिमलैंड्स। तो हिमलैंड्स के अंदर गड़बड़ों का सिलसिला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। लास्ट एपिसोड में मेरा दिल बहुत ही ज्यादा टूट गया था क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ड्रीम बॉय दोबारा से मेरे खिलाफ हो चुका है। तो तुम लोगों को पता होगा हमारे हिमलैंड्स के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। हमारा जो बहुत ही पुराना दोस्त था किंग ओडिन, ये बंदा हमारे खिलाफ हो चुका है एंड ये हमारे हिमलैंड्स के सारे हीरोज को उठाकर लैंड ऑफ सर्वाइवल्स में भेज रहा है, जहां पर ये 12 काउंसिल वाले बंदों के साथ मिलकर उनको स्लेव्स में कन्वर्ट करते हैं, जहां पर मुझे भी डाला था, एसजीओ को भी डाला था। लास्ट एपिसोड के अंदर उस जगह से मैं और बहुत सारे सर्वाइवर्स को लेकर मैं बाहर निकलता हूं एंड बाहर में क्या देखता हूं, किंग ओडिन हमारा ऑलरेडी वेट कर रहा है, हमारे पे हमला करता है। बट जब लास्ट में उसे बच बचा के मैं ड्रीम बॉय के पास जाता हूं, ड्रीम बॉय मुझे ही भगा देता है ये बोल के कि भैया किंग ओडिन तो बहुत ही अच्छा बंदा है। तो यहां पर अब दो चीज हो सकती है, या तो ड्रीम बॉय को सच में लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है, या तो फिर किंग ओडिन ने उसको पोजेस कर दिया है। आज हम लोगों को इस मिस्ट्री को वैसे पर्दा तो उठाना ही उठाने कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ है, बट साथ ही साथ आज मैं और भी एक बहुत ही तगड़ी चीज करने वाला हूँ जो तुम लोगों को पता चलेगी इस वीडियो में आगे देखते हुए। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड, लीव अ लाइक गाइस। इस वीडियो का लाइक मैं रखने वाला हूँ 250,000 लाइक्स। आई नो कि तुम लोग 100% कंप्लीट कर दोगे, तो गाइस कंप्लीट जरूर करना एंड चैनल पे नए हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज 6 मिलियन के हम लोग बहुत नजदीक है गाइस, पहुंचा दो 6 मिलियन एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। ऑल राइट गाइस, तो गाइस लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप बनाया था जो कि ये वाला घर है। तुम लोग इस घर को गौर से देखोगे तो मुझे बस कुछ भी करके किंग ओडिन को यहाँ तक लेकर आना है, मेरा प्लान ये है। और किंग ओडिन एक बार यहाँ पर आएगा तो वो बंदा यहाँ पर फंसने वाला है गारंटीड, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ट्रैप चेस्ट लगाई हुई है। एंड गाइस जैसे ही ट्रैप चेस्ट को हम लोग खोलेंगे, नीचे डेंजर वाले मैकेनिज्म के अंदर वो बंदा अपने आप गिर जाने वाला। तुम लोगों को भाई आइडिया भी नहीं है, ये ट्रैप दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैप है। एक बार इसके अंदर कोई भी बंदा पड़ेगा ना भाई, यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। एंड द मेन थिंग इज कि ये ट्रैप तो मैंने गाइस बना दिया है बहुत ही तगड़े वाला, लेकिन किंग ओडिन को मैं यहाँ तक लेकर कैसे आऊंगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन गाइस। तो गाइस कहावत एकदम सही है, अगर तुम लोग किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए साजिश रचती है। गाइस देखो मेरे को यहाँ पर कौन मिले, गाइस प्लीज बाहर आओ तुम दोनों। ओ माई गॉड, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा गाइस, चेक दिस आउट, ये है हमारे किंगडम के कमांडर। गाइस जो ये वाला तुम लोगों को दिख रहा है, ये तलवार वाला, ये हमारा असली वाला है जिसको तुम लोग हमेशा से जानते हो, बट मुझे तो पता ही नहीं था ब्रो इसका एक जुड़वा भाई भी है। एंड भाई इसने मुझे ना सारी की सारी बातें बताई है, बाय द वे फलाना जी वगैरह ने किंगडम को हत्या लिया था, इसको बहुत बुरे तरीके से मारा, इसको किडनैप वगैरह किया, और भाई साहब पिछले आई थिंक कितने 8 या 9 महीने से लेकर इसको कैप्चर करके रखा हुआ था पता नहीं कहाँ पर। तो ये बंदा बोलता भाई मैंने अपने भाई को सिग्नल भेजा जैसे तैसे करके एंड मैं फाइनली वहां से एस्केप करके बाहर निकला हूं। एंड इसने मुझे गाइस बहुत सारी बातें बताई है अपने सर्वाइवल से रिलेटेड, और इसने गाइस मुझे एक दो चीज और बताई है, वो ये है कि इतने दिनों से लेकर गाइस ये दोनों के दोनों बंदे इस किंगडम के ऊपर नजर रखे हुए थे। एंड गाइस हमारे लिए एक बहुत ही बैड न्यूज है, इन्होंने हमें बताया कि भाई इतने दिनों से लेकर ना इन्होंने किंगडम के ऊपर नजर रखी हुई थी एंड गाइस अपने ड्रीम बॉय को पूरे तरीके से वश में करके रखा हुआ है किंग ओडिन ने। भाई साहब किंग ओडिन की बात मान रहा है ड्रीम बॉय, एक एक बात मान रहा है, दैट्स व्हाई अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है किंग ओडिन को पकड़ना। तो गाइस मैंने तुम दोनों को बस एक बात नहीं बताई है, बाय द वे इन्होंने आज तक ना गाइस कभी बताया नहीं कि दोनों जुड़वा थे, ये असली वाला है, ये इसका जुड़वा भाई है और मेन नौकरी इसकी थी किंगडम में, बट कभी कभी ये थक जाता था तो अपने भाई को वहां पर भेज देता रहा, किसी को कान खबर नहीं उतनी, बहुत ही ज्यादा होशियार है भाई ये दोनों। एंड इसने मुझे बताया गाइस कि अभी ये दोनों एकदम खिलाफ है किंग ओडिन के और हमारा पूरा का पूरा साथ देने वाले हैं। पर भाई लोग तुम लोगों का मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, ठीक है, एक ऐसा टास्क देने वाला हूं कि कुछ भी हो सकता है, डरना मत, जस्ट से यस, ओके प्लीज। तो गाइस देखो तुम लोगों को बताया मैंने इस घर के अंदर एक ट्रैप बनाया हुआ है किंग ओडिन को डालने के लिए, अब तुम दोनों भी उस चीज के लिए कंसर्न थे कि किंग ओडिन को तू यहाँ पे लेकर कैसे आएगा। गाइस एकदम सही बात है, किंग ओडिन को मैं यहाँ पे लेकर कैसे आऊंगा, वो है बहुत ही ज्यादा लालची बंदा, तुम लोगों को तो पता ही है, ठीक है ना गाइस, जितना लालच मैं उस बंदे को दूंगा ना वो फंस जाएगा, अभी वो काउंसिल वाले बंदों के साथ काम कर रहा है बाय द वे। और मैं तुम लोग को थोड़ी सी बैक स्टोरी बताना चाहता हूँ यहाँ पे गाइस, जो भी नए लोग हैं हमारे हिमलैंड्स के अंदर, होगा लाला था, उसका जो बाप था किलविश था, लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने किलविश को मार दिया है, उस दिन से लेकर आज तक होगा लाला का आता ना पता, पता नहीं कहां चला गया वो बंदा। एंड इसके अलावा गाइस हमें पता चलता है कि हमारे इस पूरे के पर हिमलैंड्स के वर्ल्ड को 12 काउंसिल वाले बंदे चला रहे, जो कि अलग अलग वॉरियर्स को स्लेव्स बनाते हैं एंड देन उनके मजे लेते हैं, तुम लोग समझ जाओ कि बहुत ही ज्यादा क्रूर बंदे 12 के 12 बंदे। तो किंग ओडिन उनके लिए दलाली करता है बेसिकली, तुम लोग ये मान के चल लो। तो अभी किंग ओडिन को पकड़ना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम लोगों को अभी मेरी मदद करनी है किंग ओडिन को यहां तक लूर करके लाने में, ठीक है ना भाई। और अभी ए डर
हेलो, अरे डर क्यों रहे? अरे गाइस मेरी बात सुनो, तुम दोनों को किंग गॉडी से डरने की जरूरत, अब भी तो तुम लोग बोल रहे थे तुम लोग पूरी तरीके से किंग गॉडी के खिलाफ हो। अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा मुझे बताओ तुम दोनों हैं। बाय द वे गाइस, मैं इससे पहले यही सोच रहा था कि मैं किंग गॉडी को यहाँ तक लूर करके कैसे लाऊंगा, उसी टाइम पे ये दोनों बंदे सडनली आ पाते। कहाँ पल मार के निकल गया भाई बंदा, वापस आ भाई तू जल्दी। ये देखो कहाँ भाग गया बंदा भाई डर के मारे। तुम दोनों को चलो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। तो चलो एक काम करते हैं, किंग गॉडन को मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना? टेंशन मत लो, किंग गॉडन को मैं लूर करके लेकर आ जाऊंगा, पर तुम दोनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम लोगों को पता है ना भाई साहब कि हम लोगों के पास यहाँ पर बहुत ही बड़ा सोने का, बहुत ही बड़ा चांदी का, बहुत ही बड़ा डायमंड्स का, बहुत ही बड़ा एमराल्ड्स का खदान है, राइट? जहां पर बहुत ही ज्यादा रेयर टाइप के ब्लॉक्स भी है। तो तुम लोगों को बस मेरा एक काम करना है, इस घर को ऐसा बनाना है। ए ऑलरेडी से डाल के रखा यहाँ पे, नाइस वन। तो तुम लोगों को ऐसा इस घर को कन्वर्ट करना है ना भाई कि किंग गॉडिन जब यहाँ पर आएगा ना तो उस बंदे की आंखें चमक जाए, समझे भाई? उसकी आंखें ऐसी चमक जाए कि उस घर के अंदर जाए ही जाए, कुछ भी हो जाए। मेरे हिसाब से अगर आप डायमंड की जगह उस रेयर वाले गोल्ड के ब्लॉक का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। बाय द वे गाइस, तुम लोगों को पता होगा कि माइनक्राफ्ट के अंदर जो गोल्ड है उसकी स्टेयर्स नहीं बनती है, बट हमारे किंगडम्स के अंदर वो सारी सारी स्टेयर्स वगैरह भी है। वो बहुत ही ज्यादा ऐसी जगह पे रखी हुई है जो कि इम्पॉसिबल है जहां तक पहुंचना, मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी है। बट ये तो कमांडर है ना भाई इस जगह का, तू तो जा सकता है ना मेरे भाई। तो भाई तुम लोग अभी जाओगे, तुम लोग बेसिकली जा नहीं सकते, इन लोगों को वो सीक्रेट लोकेशंस पता है। तो तुम लोग जाके इस घर को ऐसा बनाओ कि किंग गॉडिन यहाँ पे आएगा और अंदर जाएगा, ठीक है ना भाई? बट उसके अलावा मैं एक काम करने वाला हूँ, इनफैक्ट मैं वो काम नहीं करने वाला हूँ, तुम दोनों में से एक बंदा ये वाला काम करेगा और दूसरा बंदा क्या करेगा, वो मशीन तुम लोग आते जिसमें हम लोग एक साइड पे विलेजर को डालते हैं और दूसरी साइड हम लोग किसी और बंदे को बनाते हैं, राइट? उस मशीन के पास तुम लोग जाओगे, लोकेशन तुम लोग ऑलरेडी पता है, वहां पर जाकर किंग ओडिन का कॉलोन बनाओगे तुम लोग, ठीक है ना भाई? किंग ओडिन का कॉलोन बना के लाएगा एक बंदा ये वाला काम करेगा और मैं किंग ओडिन को लूर करके लाऊंगा। तुम लोग मुझे बताओ कि किंग ओडिन है कहां इस वक्त, एग्जैक्टली मैं वहां पे जाने वाला हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मैंने इन दोनों से बात कर दी, उन्होंने मुझे बताया कि पास में इस किंगडम के ना ऑलमोस्ट 500-600 ब्लॉक्स दूर एक विलेज है जहां पर एक या दो ऐसे वॉरियर्स हैं हमारे हिमलैंड्स के जिनको किंग गॉडिन इस वक्त पकड़ने गया हुआ है और द लैंड ऑफ सर्वाइवल में डालने के लिए कोशिश कर रहा है। तो भाई मैं वहां पर जाता हूं, उसको लूर करके लाता हूं, तुम लोगों को मैक्सिमम आधा घंटा दूंगा मैं। ओ एक काम करो ना भाई, मुझे एटलीस्ट आर्मर तो दे दे भाई, देख क्या फालतू आर्मर है भाई मेरे पास, तलवार दे दे मेरे को साथ में आर्मर के साथ साथ, ठीक है भाई? उतना ही, ओ थैंक यू सो मच ब्रो। अच्छा यूज दे रहा है, चलेगा, कोई चक्कर वाली बात, मुझे मार रहा है बंदा। ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर दिस, मैं फटाफट जाता हूं, तुम लोग अपना काम कर देना। गाइस अभी मैं किंग गॉडिन को लूर करके लेकर आऊंगा पूरे तरीके से, ब्रो देयर इज नो फ्रीकिंग वे कि आज ये बंदा मुझसे बचने वाला है। आई थिंक 500-600 ब्लॉक्स दूर है इस डायरेक्शन में वाला विलेज जहां से साला दोबारा से दलालीगिरी कर रही है। तुम लोगों को पता है मुझे इन्होंने बताया कि भाई ये बंदा ना एक महीने के अंदर अंदर कम से कम 60-70 हेमलैंड के वॉरियर्स को द लैंड ऑफ सर्वाइवल्स में भेजता है, समझ रहे तुम लोग? यानी कि 2 से ज्यादा एक दिन में भेजता है ये बंदा, बहुत ही ज्यादा इविल है ये बंदा भाई, इसको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय द वे तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई किंग ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्होंने मुझे ये बात बताई इससे पहले कि किंग गॉडिन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है भाई, तू कैसे उसको कैप्चर करेगा? गाइस ये ट्रैप ही ऐसा है भाई, इसके अंदर एक बार बंदा पड़ जाएगा, अगर वो क्रिएटिव में चला गया भाई तब तो निकल जाएगा ब्लॉक तोड़ के, अदरवाइज ब्लॉक तोड़ना ही इम्पॉसिबल है क्योंकि कंटिन्यूअसली तुम्हारी स्क्रीन शेक होती रहती है। और इसके अलावा गाइस बंदा कोई भी चीज टाइप तक भी नहीं कर सकता है चैट में, तो बेसिकली अगर किंग गॉडिन को हम लोगों ने एक बार पकड़ लिया तो वो ड्रीम बॉय को बुला भी नहीं पाएगा भाई, क्योंकि कुछ भी टाइप ही नहीं कर सकता है और अपनी कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता इस ट्रैप का। तो गाइस बहुत ही ज्यादा गॉड लेवल ट्रैप है वाला, आज किंग गॉडिन की मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा ना माँ की कसम, तुम लोग देखो भाई। ओ भाई धमाके की आवाज आ रही है, धमाके की। गाइस मुंह के सामने विलेज है, साला किंग गॉडिन इसने यहां पे कांटे स्टार्ट कर दिया, ये बंदा सारे विलेजर्स को मार देगा एंड जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं उन सबको ये लेके जाने वाला। देखो 2-3 विलेजर्स तो यहाँ बाहर घूम रहे भाई, विलेज की इतना ज्यादा दूर है कसम से यार। ए वेट, बंदा भाग के जा रहे विलेजर। ओ ये साले सारे के सारे किंग गॉडिन के वो है चमचे है। ओ माय गॉड भाई साहब, इस बंदे ने तो कांटे कर दिए यहाँ पे। ओके गाइस मेरे को ना बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, एंड द थिंग इज जो यहाँ पे सबसे मेन चीज है वो पता क्या है, मैं तुम लोगों को, ओ वेट अ सेकंड, वहां पर एक दूसरे बंदे के पीछे भी इसके भाई मारा मारी हो रही है, कम से कम 8-10 बंदे को लेकर आया हुआ। ओके गाइस जैसे ही किंग गॉडिन मुझे देखेगा ना मेरे पीछे भागने वाला है, क्योंकि इसके लिए इस वक्त सबसे बड़े खतरे मैं और एसजीओ ही है। ड्रीम बॉय को तो उसने अपनी टीम में कर दिया, जो कि हम लोग तक अभी इसकी टीम में जाने वाले हैं नहीं। कहा है साला ये मुझे दिख जाएगा ना एक बारी, इसको ना बस अपने पीछे भगा के ऐसा फंसाऊंगा कि इसके पिताजी भी याद करेंगे भाई, समझा? तेरे पिताजी भी याद करेंगे साले, तू है का? धमाकों की आवाज तो बहुत आ रही मेरे को, पर ये बंदा मुझे दिख नहीं रहा कहीं पर भी नहीं, कहाँ ये?
भाई ये बच्चूरो साला है का, ए मुझे दिखा ऊपर, मुझे दिखा, रुक, भाग 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 ब्रो भाग, ओ साले नल्ले दल्ले इधर देख नीचे, इसको मेरी आवाज नहीं आ रही अभी, अभी भी उसके पीछे यार, ओ हेलो भाई जी, ओ किंग ओडिन नल्ले तेरा बाप आ गया है, देख रहे हैं इसको भाग 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 भाग, तेरा बाप हूँ मैं समझा, तू मेरी छट्टी वाला दे, ओके, नो ब्रो, ये बहुत गुस्से में, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ गाइस, ये बंदा अभी यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, अभी ये मेरे पीछे पड़ेगा, ओके चल भाई क्या है ये, व्हाट भाई, ओ माय गॉड, भाग लिख रहा है अभी, तो तू आ साले पिक्स मार दी मेरे सामने इसने, किंग ओडिन अगर तू एक बाप की औलाद है मुझे आज मार के दिखा दे, ओ माय गॉड, दिस गाय कैन इजीली किल मी ब्रो, ब्रो, मेरे को बैकअप के लिए बंदे लाने चाहिए थे, ओ भाग, ओ माय गॉड, तुझसे बस मारूंगा नहीं, टॉर्चर भी करूंगा आज, तू आ जा मेरे पीछे, तेरा पिताजी हूं मैं समझा, तू माइनक्राफ्ट गेम के अंदर मेरा बच्चा है तू समझा, आ जा, बस किया, ब्रो दिस गाय इज सो अनोइंग, ओके तेज भाग, ओके गाइस, मेरा प्लान काम कर रहा है, इसको ना बहुत गुस्सा आया हुआ, बाय द वे लास्ट टाइम पे मैं इससे भाग गया था, ओ माय गॉड, खाने का सामान नहीं मेरे पे, भाग, निकल, यू कैन डू दिस बॉय, खाना निकाल कर नीचे, ओ माय गॉड क्या करो, खाना गया, ओ माय गॉड, ब्रो, भी बहुत गुस्से में, काश मेरे पास यहाँ पे अभी थोड़े बहुत पर्ल्स होते तो कितना बढ़िया होता, ओके, नो, आज नहीं बचेगा, अरे बेटा तू मुझे नहीं मार सकता समझा, मेरे को तू तब नहीं मार पाया जब मैं बहुत कमजोर था, अब क्या मारेगा, ओके साले हवा में उड़ रहा है, सामने आ मेरे, एक बाप की औलाद है सामने आ मेरे, I can do this. पानी चाहिए मेरे को, बस पानी चाहिए बस मेरे को, ओके भाई ब्रो प्रेडिक्ट कर रहा है भाई, इसके एरो अपने आप ही फट रहे नीचे के लिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आ जा, तू मेरे नजदीक आ बेटा, पानी, ओके, नो, ब्रो आई एम स्टक, मैं पहुंचने वाला हूँ, किंगडम पहुंचने वाला गाइस, अब ये ज्यादा यहाँ पे ना तबाही मचाएगा नहीं, क्योंकि किंगडम ऐसा करके हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, आई नो दिस, ओ माय गॉड व्हाट अ क्लच ब्रो, तुम्हारा भाई क्लच गॉड है, माय गॉड इम्पॉसिबल है भाई, मिल टीपी कर रहा है बंदा, व्हाट द हेल इज दिस, नो, ओ शिट डूड, इसके वाली पावर भी होगी जिससे मुझे हवा में उठा सकता है, लास्ट टाइम पे मुझे एसजे ने बचाया था आई रिमेंबर, अभी कोई नहीं बचाएगा, फटाफट करना पड़ेगा भाई मेरे को, ओके मैं वैसे भी काम करने वाला हूँ, हम लोग किंगडम के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसको बंद कर, चल, इतना काफी है, अभी गाइस मेरे को मैसेज करना पड़ेगा इस बंदे को, ऑल राइट गाइस, तो मैंने कमांडर को विस्पर कर दिया है, आ गए हम बस, फेक ओडिन तैयार रख लो, ठीक है ना गाइस, हम लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक है इस वक्त, और बस बाहर जाना है और कुछ नहीं करना, भाई है ये बंदा आसमान, बाय द वे साउंड कम रखी हुई है क्योंकि भाई मेरे कान फटने वाले हैं, इतना ज्यादा लाउड हो गया, पता नहीं कहां ये बंदा अभी, किंग ओडिन आजा मेरे बच्चे का, ऊपर है मेरे से ऊपर, आजा, ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं किंगडम के पास पहुंच गया, तुम लोग देख रहे हो साला किंग ओडिन है ये मेरे पीछे कहीं ना कहीं, बट इस बंदे ने एक भी धमाके नहीं किया, किंगडम के आसपास ये बिल्कुल तबाही नहीं चाहता, बहुत तेज बंदा है, कमांडर हेलो कमांडर भाई कहां है तू, ओ व्हाट भाई बना दिया ब्रो, ओके मुझे पूरी की पूरी बात सुननी है, कौन है बंदा, तूने कहां से विलेजर पकड़ के लाया हुआ और ये है कौन एग्जैक्टली, सारी बात बता, ऑल राइट गाइस, तो कमांडर ने बोला है जो इसका जुड़वा भाई है ना, इसी ने उसी को कन्वर्ट कर दिया है ब्रो, तुझे तो पता ना एग्जैक्टली तुझे करना क्या है, किंग ओडिन साहब पीछे नया वाला किंग ओडिन आ रहा है, मैं जा रहा हूं आगे के लिए और मैं एक बार देखने वाला गाइस, ओ माय गॉड ब्रो
होली शिट गाइस, देखो ऊपर गोल्ड की स्टेयर्स। मैं तुम लोगों को यही बता रहा था, ये वाली बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लॉक्स होते हैं जो कि हमारे किंगडम में ही पाए जाते हैं। ब्रो दिस इज सो गुड, तूने बहुत अच्छा काम किया। अभी जा आगे जा, किंग गोडिन आने वाला है, इसको तो सही टाइम पे छोड़ना, ठीक है ना ब्रो? मैं आगे जा रहा हूं बस। एंड गाइस व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं इस घर के बैक साइड में छुपने वाला हूं, ठीक है ना? अरे भाई ये छेद यहां पे हो रखा है ब्रो, इसको बंद कर एक बार यार, ये फालतू की चीजें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको पूरा कर, बंद कर ले। और गाइस मैं बस यहाँ पर बैक साइड में छुपने वाला हूँ। एंड नाउ वी जस्ट हैव टू वेट फॉर किंग ओडिन। और ये बस इस ट्रैप पे फंसे भाई, फंसे कांटे फंसे। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैंने बहुत ओपी प्लानिंग रखी हुई है। ए मुझे भाग, ओह आ गया वो। नाइस वन, बस पीछे रहियो, बस पीछे रहियो भाई। तू अब यहाँ पे, ए दरवाजा खोला इस बंदे ने, लेट्स गो भाई, प्लीज प्लीज। अभी इस बंदे की ना आंखें चमक गई होगी गाइस, आई एम टेलिंग यू, इस बंदे की आंखें पूरी तरह से चमक गई होगी। एंड नाउ वी जस्ट हैव टू वेट। प्लीज चेस्ट खोल दे साले, प्लीज चेस्ट खोल दे। खोल दिया इसने, आई थिंक नीचे गिर चुका है बंदा। प्लीज 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 प्लीज, ओह लेट्स गो भाई। यहाँ देख मैं कौन लेके आया हूँ ब्रो, शक्ल दिखाओ इसको अपनी, साले नल्ले यहाँ देख। हाँ तोड़ 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 पूरी ट्राई कर, रुक जा तेरी ऐसी की तरह। रुको गाइस मेरे को ना यहाँ पे एक साइड हो जाए, इसको ब्लॉक को लगा देते ताकि बाहर निकले। आ जा भाई, ए मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो फेक किंग ओडिन मेरे भाई, अब से आप किंग ओडिन हो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फॉर सेफ्टी पर्पज साइड में कभी छुपे रहो, ठीक है ना? मैं बैक साइड पर जाके इसको थोड़ा टॉर्चर करता हूँ। तेरी साले ऐसी की तैसी, आई थिंक इधर ही किधर से हम लोग ब्लॉक तोड़ के जा सकते हैं नीचे के लिए। यहाँ से जाएंगे भाई जी, यहाँ से जाएंगे उधर, यहाँ से जाएंगे इधर, लेट्स गो। गाइस देखो मैंने पूरा का सिस्टम बना के रखा हुआ है। हाँ भाई वो पकौड़े यार, देख यार, देख पीछे ऊपर क्या देख रहा है यार, देख सामने, यार देख सामने, तेरा पिताजी हूँ मैं। आप यहाँ से बाहर निकल के देखा मान जाऊंगा, मार मार मार, कर कर बाहर निकल। अरे अरे मेरे को मारना, अरे मेरे को मारना, क्या हो गया, हिल नहीं पा रहा। गाइस बाय द वे इस के अंदर तुम लोग इतना ज्यादा शफल करते हो कि तुम लोग कोई भी ब्लॉक तोड़ नहीं सकते, धीरे धीरे क्या करेगा। हाँ लिख लिख डी लिख रहा है। ओ ये बंदा साला यहाँ पे ड्रीम बॉय को बुलाने की कोशिश कर रहा है, शायद मैं उसको मार पाऊंगा। रुको, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी हमको टॉर्चर करेगा साले पकौड़े है। मैं चाहूं तो मैं तुझे यहाँ पे इजीली मार सकता हूँ, बट मैं तुझे मारूंगा नहीं। ओ क्या हो रहा है किंगडू को, किंगडू को क्या हो रहा है, अब तू कंटिन्यूसली मरे जा रहा है पकौड़े, यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा भाई तू। एंड बाय द वे गाइस इसका मरना बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बंदा ना विच चेक नंबर का, समझो तुम लोग यहाँ पे बहुत एक आरएम लिख रहा है भाई, कुछ नहीं कर पाएगा समझा मुझे। किंगडू यहाँ देख मेरी आंखों में आकर डाल के देख, ज्यादा बकवास नहीं चलेगी तेरी, मेरी आंखों में आकर डाल के देख, यहाँ देख मेरे को, अभी भी नहीं देखेगा भाई तू, जिंदगी भैया अटका रह जाएगा। और तूने देख लिया मैं एक फेक किंग ओडिन लेकर आ चुका हूं भाई, समझाना। ड्रीम बॉय के पास भी वही जाएगा, तेरे सारे काम भी वही करेगा, बाहर निकलने की ट्राई करा साला, ऑलमोस्ट निकलने वाला था अभी, बट यहाँ से एस्केप करना इम्पॉसिबल है, तू बार बार नीचे ही गिरेगा भाई। यहाँ तू ब्लॉक नहीं लगा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, ना तू कोई ब्लॉक तोड़ सकता है समझा। और तेरी जगह जो काउंसिल वाले बंदे हैं, देख मेरे को भाई, काउंसिल वाले बंदे भी तेरी जगह पे फेक वाले को ले जाएंगे और तू यहीं दबा रह जाएगा, तू लाइफ टाइम ऐसे बाहर नहीं निकल सकता है। मुझे चुपचाप से बता कि भाई तूने ड्रीम बॉय के साथ ऐसा क्या किया है और तेरा आगे का प्लान क्या है, सब कुछ मुझे अब भी और इसी वक्त जानना है। नहीं बताएगा तो तू लाइफ टाइम के लिए इधर ही अटका रह जाएगा और मैं अलग से आके तुझे ऐसे 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 मारता रहूंगा। भाई देखो कैसे, मैं यहाँ पे कोई तगड़ा सा पोशन लेके आ गया ना हार्मिंग का, भाई कुछ नहीं कर सकता, गया है बंदा, एक सेकंड में जाने वाला है बंदा भाई। फिर तो इसीलिए तेरी भलाई सी मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दे अभी और इसी वक्त। एन मतलब नहीं नहीं बताएगा ब्रो, अरे कोई बात नहीं भाई, लटका रहे अब, ये देखो कितनी कोशिश कर रहा बाहर निकलने की ब्रो, इट्स इम्पॉसिबल,
इट्स इम्पॉसिबल, जब तक कोई बाहर का बंदा नहीं करेगा मदद आप यहाँ से बाहर नहीं आ सकते हो मेरे भाई। तू अटकेगा यहाँ पर, मर भी नहीं रहा भाई, कितना चुड़ैला आदमी है भाई, इतनी हेल्थ है बंदे का, मरता ही नहीं साला, एक नंबर का वो है भाई। भाई उड़ भी नहीं सकता यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकता गाइस, देयर इज नथिंग दैट ही कैन डू। देख भाई मैंने तो तेरे को यार बहुत तगड़े वाली वो दी थी, ए डायमंड दे रहा है। किंग ओडिन ने जिंदगी में पहली बार कोई चीज ऑफर करी पर वो पकड़ा भी नहीं पा रहा। देख अगर तू मुझे चार डायमंड देगा तभी मान जाऊंगा भाई। ओके डूड्स, ओके चार डायमंड दे दिए इसने मेरे को, थैंक यू। जैसे तू यहाँ पे ईमानदार नहीं है वैसे बेटा हम भी ईमानदार नहीं है, तेरे 11 के 11 डायमंड मेरे होते हुए, और तेरे को इसके बदले मैं एक फटका मारूंगा साला पकौड़ा कहीं का। इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को, अदरवाइज तो यहीं पर रहेगा लाइफ टाइम। भाई ये बंदा नहीं मानेगा, तब से लेके मरे जा रहा है, लेकिन इस बंदे को मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। भाई तू कितना ढीट है यार ये बंदा, I'm telling you guys, बहुत ढीट। मेरा फेस कैम की बैटरी डेड हो गई भाई, दूसरा फोन लगाना पड़ा, बट ये बंदा मानता नहीं है बिल्कुल भी नहीं यार। आर यू सीरियस भाई, तू यहाँ जिंदगी पर सड़ता रहेगा, देयर इज नो वे यू कैन एस्केप दिस ब्रो, आपकी कोई माया भी शक्ति काम नहीं करेगी, मरेगा उसको। ये किसने बनाया यहाँ पे? वेट, ओह शिट, हेलो, ओह शिट, फेक फेक, जा 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 किंग किंग ओडिन, जा 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 भाई, जा 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 जल्दी जा। हेलो किंग ओडिन भाई, किधर है यार भाई ये बंदा? भाई साहब, ओह माय गॉड, ये रहा, अरे भाई ये कैसी आवाज आ रही है यहाँ पे? कुछ नहीं है भाई, मेरे को पता है, एक्चुअली ये लगा कि तू किसी मुसीबत में पड़ चुका यार, तू जैसे लिख रहा था ना DDDRRMMM, बट सीन क्या है, हुआ क्या है? अरे यहाँ से निकल भाई, ये घर क्या क्रेजी बनाया यार तूने, मेरे को मिल सकता है क्या ये, कितने वर्थ क्या है इसकी? आजा यार हम पे बहुत काम है यार, यहाँ से थोड़ा दूर चलते हैं, पहले ये घर मिल जाएगा? अरे थैंक यू भाई, लेकिन बाद में देगा ना, ठीक है आजा, पहले आजा भाई। वो गोल्ड की स्टेयर्स कैसे लाया तू? गोल्ड की स्टेयर्स तो एग्जिस्ट नहीं करते हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर। आजा दूर आजा, दूर दूर आजा, हाँ हाँ, ये पकड़ खाने पीने का सिस्टम, ये ले भाई। एक्चुअली किंग ओडिन मैं डर गया था, मेरे को लगा था तू किसी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, वो जो तूने मेरे को बताया था ना माल पानी, वो सब रियल हो चुका है, मुझे ऐसा लगा था यार, बट कोई सीन नहीं है भाई, तेरे को देख के इतना प्यारा भाई, मजा आ रहा है तू, बट तू एक्चुअली जो बोलता है ना वो सच हुआ है भाई, एक्चुअली स्मार्टी भाई आ चुके हैं, दिस इज कूल। ओ मेरे बेचे, ड्रीम बॉय तो गया, लेकिन तेरे को कोई नहीं बचाएगा, फेक वाले बंदे को लेके जा चुका है वो, अभी भी तेरे को मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, मुझे बता दे सारी इन्फॉर्मेशन, दे दे कि तू ड्रीम बॉय के साथ क्या सीन है, तूने कैसे उसको मनवाया, अगर नहीं बताएगा भाई तो यहीं पे पड़ा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, मेरी कोई गलती नहीं, एन लिख रहा है ब्रो, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू मैन, मैं तो यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि ये फालतू की आवाज़ तो मुझसे भी सहन नहीं हो रही गाइस, इसको पकौड़े को मैं यहीं रखूंगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना भाई। और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि किंग ओडिन को हम लोग ने यहाँ पर ट्रैप किया हुआ है भाई साहब। ऑल राइट गाइस, देखो ना यहाँ पे किंग ओडिन ने भाई क्या पटा दिया यार मेरे वाले बंदे ने गाइस। बाय द वे मैंने इस किंग ओडिन को ऑलरेडी बोल के रखा है कि ड्रीम बॉय के सामने मेरी तारीफें वगैरह करता रहे, थोड़ी देर में चलते हैं एक बार ड्रीम बॉय के पास, एंड लेट्स सी कि ये भाई मानता है कि नहीं मानता। आई थिंक मान जाएगा, अब तो मान जाएगा, अब तो दोस्ती के लिए मान जाएगा। आई थिंक मैं आधे घंटे का वेट करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ उसके पास जरा मैं। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, अब यहाँ पे आधा घंटा बीत चुका है, अभी तक तो तारीफें तो कर दी होगी उसने, है ना मेरी, अब उसमें कोई ड्रीम बॉय के पास जाना, रुको मैं इसको आवाज़ें लगाऊँ, थोड़ा और नज़दीक चलते हैं एक बार, तब करता। अरे टूट जा भाई, ये ब्लॉक ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, चलो आगे चलते हैं एंड ड्रीम बॉय को पकड़ते हैं भाई, चल भाई चल फटाफट। हेलो ड्रीम बॉय, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? फिर से यार भाई तुम फिर से आ गए, मतलब का है तू बता दे, बैंक क्या करूं, आ जाओ आओ आओ जरा बात करता हूं, आ जाओ एक सेकंड, आओ 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 भाई, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? किंग ओडिन, अबे रुक भाई, मुझे किंग ओडिन ने बुलाया खुद यहाँ पे। अरे हाँ भाई, वो इतने कुछ बोल रहा था मेरे सामने, आओ सामने आके बात करो ना मेरे से, बहुत कुछ बोला उसने आपके बारे में। अरे ऑफ कोर्स बोलेगा भाई, अरे यार ड्रीम बॉय मेरे को फाइनली इतनी मेहनत से, मैं भाई क्या ही बोलूं, मैं इस बंदे ने मेरे को फाइनली बुला दिया यार अपने किंग ओडिन ने भाई, पता नहीं क्यों बुला नहीं रहा था तब से लेकर यार, कहाँ हो आप? अरे भाई बैंक यहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ मैं भी, मैं बैंक के पास ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ जहाँ पे लास्ट। हाँ मेरे भाई क्या हालचाल, फिर बढ़िया सब? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अब बताओगे काम क्या है, सीन क्या है? अबे सीन कैसा, क्या सीन है आपके साथ? वेट, किंग ओडिन ने बात नहीं करी क्या आपसे अभी? अरे बात तो हो चुकी है, लेकिन आप तो बताओ सीन क्या है? किंग ओडिन, वेट अस, ऐसी बातें क्यों करो भाई? किंग ओडिन ने बताया नहीं कि भाई वो मेरे पास आया था, उसने मुझे बोला कि स्मार्टी हमारे साथ काम कर ले, ड्रीम बॉय मेरे साथ काम ऑलरेडी कर रहा है, तारीफ नहीं करी क्या उसने मेरी? कितनी देर से कुछ भी बड़बड़ करे जा रहा है, कुछ भी बड़बड़ करे जा रहा है वो, तो पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, दो दिन पहले आपकी तारीफ नहीं कर रहा था और अभी तारीफ कर रहा है, मेरे को ये सब चीजें बहुत अजीब लग रही है। अरे अब तारीफ कर रहा तो मानो ना इस बात को आप, वेट आप ये, तू अभी भी कहीं मुझे फेक तो नहीं समझ रहा है बेटे? भिड़ने की कोशिश मत ना कर लियो, साफ साफ दिखता तेरी साले
साफ साफ दिखता है भाई, तू निकलेगा नहीं ना मेरे किंगडम से बेटे, निकालना पड़ेगा मार मार के, निकल निकल। ऐसी की तैसी भाई, ऐसी की तैसी, ये बंदा पागल हो गया भाई, तू थोड़ा पागल है क्या? तू समझेगा नहीं ना, तू समझेगा नहीं ना, तुमने क्या कांड किया किंग ओडिन के साथ, क्या मैं समझता नहीं हूँ क्या कांड किया है? क्या कांड किया भाई? एक बात बता, अगर दो दिन पहले बंदा यहाँ पे किसी की बुराई कर रहा है तो वो सामने से आके दो दिन बाद तारीफ करेगा क्या? अरे क्यों नहीं कर सकता तारीफ भाई, मेरी बात तो ये किंग ओडिन से। भाई तेरे को अभी तक ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फेक हूँ? मेरे पास अभी एरो होता है, एरो मारता है इसके मुंह पे, मैं नीचे के ले यार, ले इसको पकड़ ले एकदम। अबे बेटे तू रुक जा, भैंस की टेंट लगता है तेरा बैंड बजाना पड़ेगा मेरे को, तू लालच देगा यहाँ के किंग को, लालच देगा फोड़ू क्या सर, फूट जाएगा पूरा। यार भाई इस बंदे को कोई लालच तो नहीं दे रहे तेरे को उसने यहाँ पे किंगडम या किंग बना दूंगा ऐसा वैसा? भाई यार मैं असली हूँ, मैं असली हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख मेरे पास टाइम की वैसे ही कमी है और तू आके यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट और कर रहा है, सेंसलेस बातें कर रहा है मेरे सामने अभी कभी, यहाँ से चला जा वरना मर के जा। नो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, निकल निकल बेटे, एक तो जान बच कर रहा हूँ तेरी, भग जा यहाँ से ठीक है, और यहाँ पे बाव डाउन कर, बाव डाउन कर 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 कर, ये करूंगा तेरे को मैं, ये करूंगा तेरे को, आजा आजा लड़ेगा नहीं है तू, लड़ेगा आजा 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 भाई, इस बंदे के पास बहुत तगड़ा आर्मर है साले, कभी तो नंगा आई बिना आर्मर के तब बताऊंगा तेरे को मैं, साला लेवल 25 के आर्मर लेकर आया हुआ है, बेसिक से आर्मर है मेरे पास, अगर मैं नंगा आऊंगा ना तो मेरे पास बहुत सारी तलवारें हैं बेटे, डर के भाग जाएगा। अबे तलवारें तो मैं दिखाऊंगा तेरे को, ऐसी जगह पर डालूंगा ना बच्चे, तू याद करेगा समझा भाग? बेटे छोटी तलवारें हमारे सामने चलती नहीं है, अबे तेरी मिनी तलवार है समझा ना, वो भी चाइना का माल है तेरा, जंग लगी हुई तलवार है, गर्दन उड़ा देगी पूरा का पूरा भाई, पूरी जंग लगी हुई तलवार है तेरे पास समझा, क्योंकि इतनी यूज करी है ना मेरे आज तक, तुम्हारी तलवार यूज नहीं हुई होगी, स्टेनलेस स्टील की तलवार तो हमारे पास है, तभी तो टूट जाती है, पूरे के पूरे पूरे के पूरे खानदान को घुसेड़ दूंगा समझा। बेटे देख देख असली बन के आ, तू मेरे को पता है तू मेरा किंगडम हड़पने के चक्कर में हो गया, किंग ओडिन को मारने का चक्कर में होगा, बंदा खुद भी फेक है भाई, तू खुद भी फेक है साले, निकल यहाँ से। गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अरे मैं घूम के वहीं आ गया भाई, मैं घूम के वहीं आ गया बैंक के पास। गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ये साला ड्रीम बॉय मान क्यों नहीं रहा है, ये ड्रीम बॉय मान क्यों नहीं रहा है भाई? किंग ओडिन ने इसको, जो अभी फेक वाला किंग ओडिन, मेरी तारीफ तो 100% करी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तारीफ ना करी हो, बट ये बंदा अभी भी नहीं मान रहा है, इसका मतलब समझे तुम लोग, इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग एल्स, कोई और बात है भाई, कोई और बात है जो ये छुपा रहा है, या तो फिर ये कुछ कांड कर रहा है। 100% आई कैन टेल यू गाइस, ओ माय गॉड, मुझे पता लगाना पड़ेगा, रुको गाइस एक बार बाहर चलते, एक बार कमांडर से थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी मेरे को। गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है बाय द वे ये। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, कमांडर साहब को मैंने यहाँ पर बुला दिया, कमांडर साहब अब आपको दिमाग पे प्रेशर डाल के मेरे लिए कुछ चीज़ें याद करनी है, आपने मुझे बताया था ना पिछले 2 या 3 हफ्तों से लेके यहाँ पे स्पाइक करो किंगडम के ऊपर, तो आपने बहुत सारी कन्वर्सेशन सुनी होगी किंग ओडिन की, असली वाले किंग ओडिन की और अपने ड्रीम बॉय वगैरह की, मुझे याद करके बताओ भाई, आपका जो ब्रदर है ना जो किंग ओडिन बन के गया है भाई, उसकी बात भी नहीं मान रहा है ड्रीम बॉय, मान ही नहीं रहा है, दिस मीन्स देयर इज समथिंग एल्स, कुछ तो और बात है, मुझे सारी बात डिटेल में बताओ जरा कि कुछ तो ऑड है यहाँ पे, मुझे जानना है भाई अभी। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, कमांडर ने मुझे बताया भाई, सच्ची बात है क्या ये? शिट डूड, गाइस ने मुझे बताया कि ड्रीम बॉय के सामने किंग ओडिन ने एक डील रखी है, उसको वो सबसे ज्यादा अमीर इंसान बना देगा अगर वो उसका काम करने में उसकी हेल्प करेगा, लाइक कुछ तो ऐसी बात हो रही थी काम करने में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रीम बॉय एक्चुअल में इविल बन चुका है, क्योंकि किंग ओडिन तो इविली काम करता है भाई, तो भाई साहब इसका मतलब ये, ओ माय गॉड, भाई तू अपने भाई का ध्यान दियो ठीक है ना, वो फेक किंग ओडिन बन के गया है, ड्रीम बॉय को खबर हुई ना अगर तो सीधा जान ले लेगा अगर वो इविल बन चुका है। गाइस मेरे को ना अभी हिमलैंड जाना पड़ेगा, हिमलैंड के अंदर जाके मुझे देखना पड़ेगा कि एजियो कहां पर है, नूबड़ा जी कहां पर है, दाईमा भाई, इन सबको ढूंढना है मैंने भाई, ठीक है ना गाइस, तो अभी एक बार फटाफट जाने वाला हूं हिमलैंड, एंड आई एम सो शॉक्ड कि ड्रीम बॉय भाई अपने खिलाफ कैसे हो सकता है यार, मुझे भाई अभी बड़ी टेंशन हो रही है यार, सच बता रहा हूं मैं। ओ माय गॉड, मैं तो भूल गया था, हमारा हिमलैंड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये कि एजियो वगैरह यहाँ पर भी नहीं आए होंगे, वेट होली शिट डूड, वो बंदे कहाँ पर गए? लास्ट साला किंग ओडिन ने उनको, भाई कमीना है भाई ये किंग ओडिन, इसने कहीं मेरे दोस्तों को वहां तो नहीं डाल दिया दोबारा से लैंड ऑफ सर्वाइवल्स के अंदर? ओ माय गॉड, देखो गाइस हमारे हिमलैंड्स की वॉल, तुम लोग याद करो हमारे हिमलैंड्स की वॉल कितनी ऊंची है, तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये साला टावर कितना ऊंचा है, वहां ऊपर तक जा रहा है, ओ माय गॉड यार, अगर एजियो नूबड़ा सारे के सारे लोग यहां पर भी नहीं है तो फिर एक सड़क को थोड़ा नजदीक जाना पड़ेगा, आसपास ही हो, क्या पता डेरा जमाया इन लोगों ने, भाई साहब कितने ज्यादा यार ऐसे पहाड़ बने हुए, माय गॉड
भाई मैंने यहाँ से एक बार अंदर तक वेट छुप जाओ भाई कैसे देख रहे दिक्कत हो जाएगी ये साला काउंसिल वाला एक स्वे टू गॉड ये साला काउंसिल वाला एक एक सेकंड रुको गाइस ओ माय वेट 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 मेरे को देखना इस बंदे को ओके यहां से दिख भी नहीं रहा है मेरे रेंडर से दूर है बंदा थोड़ा नजदीक चले एक बारी ब्रो व्हाट द हेल इज दिस गाय डूइंग हियर ब्रो डोंट टेल मी कि ये साला लैंड ऑफ सर्वाइवल से मुझे पकड़ने के लिए आया यहाँ पे इसका भाई मैंने काम नहीं किया और ये बंदा शायद गुस्सा हो रखा है और ये साला मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक हिमलैंड तक आ चुका है ब्रो ये बहुत ही ज्यादा खतरे वाली बात है भाई दबे क्या सूंग रहा है क्या भाई 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 अगर इसमें जो सूंग लिया तो सच में फिर ब्रो ये हो वेट ये साला होगा लाला ये व्हाट No freaking ways, dude. Bro, ये मुझे दिख रहा है कभी ओके मेरे रेंडर से बाहर जा रहा है इसलिए ओ माय गॉड ब्रो ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है भाई साहब वेट अ सेकंड अबे जुगलबंदी चल रही है ओके भाई निकल 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 आई कांट बी हियर ब्रो आई कांट बी हियर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन इस सर्वर का हो ओके प्लीज 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 मुझे देखना मत ये दोनों मेरे रेंडर से बाहर हो चुके हैं गाइस मेरा सर्वर का सबसे बड़ा दुश्मन काउंसिल वाले बंदे के साथ मिल चुका है ओ माय निकलना पड़ेगा गाइस मुझे यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा अभी डार्क हिमलैंड्स के अंदर एंड मुझे अपियर इसी वर्क प्रोफेसर की जरूरत है भाई मुझे ना आई थिंक उस हमारे प्रोफेसर ने गाइस पूरे के पूरे हिमलैंड में हर जगह पे कैमराज लगाए हुए हैं तो भाई वो सारी के सारी फुटेजेस वगैरह चेक कर सकते उससे मैं ये वाली फुटेज चेक कराऊंगा कि भाई इन लोगों ने क्या बात करी अभी यहाँ पे एग्जैक्ट इनकी सारी की सारी बातें डिटेल में निकाल सकता है वो बंदा I have to go, भाई जी मेरी सांसें रुक रही है अभी यहाँ पे कसम से फटा हो जाना पड़ेगा भाई साहब All right, boys and girls, फाइनली पहुंच गए यार यहाँ पे भाई साहब यहाँ पहुंचते वहां से इतनी ठंड होगी मेरे को जैकेट जुकेट सब कुछ चेंज करने पड़े अपने रियल लाइफ के कपड़े भी प्रोफेसर साहब प्लीज टेल मी कि आप यहाँ पर हो भाई मैं कितने महीनों के बाद इस जगह पे आ रहा हूँ सीरियसली बताऊ तो मैं ये कौन है भाई सामने हेलो मेरे भाई ये बंदा 2400 घंटे इस कंप्यूटर पे लगा रहता पढ़ाई करता रहता याद है और कोई काम नहीं है क्या है इतना होशियार गिरी करके क्या करेगा बाय द वे गाइस तुम लोगों को पता नहीं होगा इस बंदे का 600 IQ है 600 आइंस्टीन का भी 160-170 है इसका 600 IQ है बहुत इंटेलिजेंट है ये प्रोफेसर भाई प्लीज मुझे तो उससे कुछ अच्छी खबर सुननी है मुझे बता एसजीओ कहाँ है मुझे बता नूबड़ा कहाँ है मेरे सामने गायब हो चुके हैं और इसके अलावा भी अंडे कौन मार रहा भाई ऊपर से पता नहीं भाई भले सुन मुझे सब कुछ बता सारे सारे बंदे कहाँ हैं हमारे दोस्त वगैरह और एक बहुत बड़ा कांड हो गया है उसके बारे में तुझे मैं बाद में बताऊंगा यार बता जरा ऑल राइट गाइस तो प्रोफेसर से मेरी बात हुई है प्रोफेसर ने मुझे बोला है एसजीओ नूबड़ा सारे के सारे बंदे एकदम सेफ है लेकिन इसने मुझे एक और बहुत ही खतरनाक बात बताई है ये बोल रहा है एसजीओ आजकल एक ऐसे मिशन में है लाइक तुम लोग ये मान के चलो जो हमारे जहाँ से अभी हम लोग जस्ट आ रहे हैं जहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं गाइस लावा के हमारा मेन हिमलैंड एसजीओ उसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा है वो वहाँ पर कैसे आया उसको रिपेयर करने की ट्राई कर रहा है प्रोफेसर साहब मेरे को तो वो अभी तक मिला नहीं है कोई तो ऊपर से अंडे मार रहा है पता नहीं कौन है यार हाँ मैं बोल रहा था प्रोफेसर साहब मुझे तो एसजीओ अभी तक मिला नहीं है आपको उसको एक बात जरूर बतानी है ठीक है जब भी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा कि माउंटेन ऑफ लावा के आसपास मुझे दिखा है होगा लाला एंड वो काउंसिल वाला बंदा काउंसिल वाला पता है ना आपको कौन एसजीओ ने बताया होगा डिटेल में वही काउंसिल वाला बंदा साला लैंड ऑफ सर्वाइवल छोड़ के यहाँ पर आ चुका है हमें पेलने के लिए मेरे को और एसजीओ को तो उसको बोलना कि वो वहीं पर है कहीं पे चुका है कुछ तो उनकी जुगलबंदी चल रही है वो लोग आई थिंक टीम अप करके कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं तो गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर काउंसिल वाला बंदा और होगा लाला ये दोनों के दोनों बंदे अगर मिल गए ना तो भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है तो फ्यूचर में तुम लोग को 100% मजा आएगा इसलिए लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो भाई ठीक है ना प्रोफेसर साहब मुझे एक बात बताओ कि दाइमा कहाँ पर है मे बी गाइस हो सकता है कि दाइमा को होगा लाला के बारे में कुछ पता हो क्योंकि तुम लोगों को याद होगा लास्ट सीजन में दाइमा की हेल्प से होगा लाला हमारी टीम में आ गया था बट अभी वो हमारे खिलाफ कैसे जा सकता है आई हैव नो आइडिया कुछ तो हुआ है प्रोफेसर वेयर इज दाइमा मुझे जल्दी बताओ इधर ही है वो मैं बुलाता हूँ कहाँ अरे रुक जा मैं बुलाता दाइमा दाइमा वेयर आर यू जल्दी आओ यार टाइम की बहुत ज्यादा कमी है कहाँ पर है ये ओ मुझे दिखी वहां पे ये इतने दुखी क्यों है ब्रो इतने दुखी क्यों है ये क्या हो गया इसको कुछ दिन से ऐसे ही दुखी है ये अरे दाइमा क्या हुआ गया मुझे सारी बात डिटेल में बताओ एक बारी यो मुझे देखो एक बारी आप मुझे सारी बातें डिटेल में बताओ जो भी हुआ है ऑल राइट गाइस तो दाइमा से मेरी बात हो चुकी है ब्रो
इसने मुझे बोला है कि याद होगा तेरे को स्मार्टी कि जब लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किलविश को मारा था उस टाइम पे होगा लाला हमारे सामने सामने चला गया था, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, है ना। भाग गया तो बंदा कुछ विचलित हो गया था, कुछ अजीब सा हो गया था। तो भाई ये बोल रहे कि अभी वो कुछ टाइम पहले इसको पता चला है वो कहीं पे तपस्या कर रहा था किसी गुफा के अंदर, एंड आई थिंक उसको सब कुछ दोबारा से पहले वाला याद आ चुका है कि हमने उसको फुदू काटा था एंड उसको अपनी टीम में लाया था। तो ये बोल रही है कि वो दोबारा से इसके खिलाफ हो चुका और अभी वो इसको भी मारने की ट्राई कर रहा था। मैं इट्स ओके आप ऊपर ही रहो, कोई बात नहीं, आप सो जाओ, आप आराम करो। ओह माय गॉड, दिस इज सो ट्रॉमेटिक यार। सोचो बेचारी दाइमा फाइनली खुश हो गई थी कि उसका होगा लाला उसकी साइड वापस आ चुका, उससे प्यार करने लग चुका दोबारा से, बट देख रहे हो तुमने कहां पर क्या होता है। प्रोफेसर भाई तू मुझे तेरे से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तू कहां छुप रहा है, मेरी बात सुन। इस सुपर कंप्यूटर में ना तेरे को मुझे वो दिखाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, पूरे हिमलैंड में तूने कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं ना, तो हमारा जो मेन हिमलैंड है जहाँ पर लाइक अपने लावा वाला सिस्टम है वहां पर ऐसे बहुत सारे कैमरा जरूर होंगे जो लावा की चपेट में नहीं आए होंगे, तू मुझे उनकी सारी की सारी फुटेज यहाँ पर दिखा सुपर कंप्यूटर में, क्योंकि मुझे अभी और इसी वक्त पता करना उनके बीच में क्या जुगलबंदी चल रही है। नहीं, पहले आपको मेरी न्यू इन्वेंशन देखनी पड़े। अरे भाई प्रोफेसर, न्यू इन्वेंशन देखने का समय नहीं है मेरे भाई, तू क्या बात कर रहा है, नहीं देखनी ही पड़ेगी, बहुत कूल है ब्रो, कूल है, बहुत मेहनत करी है उस पे। प्रोफेसर साहब प्लीज प्लीज मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, न्यू एडवेंचर देखने का टाइम होता तो मैं देखता, मस्तीखोरी काटने का टाइम होता तो मैं देखता भाई, 110% मैं देखता यार, टाइम नहीं है, एसजीओ को कुछ हो जाएगा वहां पे, एक बार देख लो, बहुत काम की है, बहुत ही ज्यादा। भाई तुम ऐसे मानने वाला तो नहीं है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार, बता तूने क्या बनाया ऐसा, भाई मेरे को बता एक बार क्या है वो चीज जो तू बोल रहा है कि वो बहुत अच्छी है। चलो यहाँ चल, यहाँ तो मैं आ ही जाऊंगा, कहाँ पर है मुझे दिखा जल्दी जल्दी। भाई ये बंदा बिल्कुल मानता नहीं है यार, अपनी बात मनवा के रहता है ये बंदा, यही है, ठीक है आ रहा हूँ भाई। वो एक गेम है प्रोफेसर, आर यू सीरियस, मुझे क्या दिखा, क्या गेम है भाई ये बंदा, थोड़ा व्हाट द हेल इज दिस ब्रो, वेट भाई तू कोई सिस्टम हैकिंग वर्क तो नहीं कर रहा यहाँ पे है, ये कोई गेम है, आर यू सीरियस, मुझे इसके बारे में डिटेल में बता जरा। हालांकि इसने मुझे गाइस बोला है कि ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, दैट्स व्हाई मैं इससे मेरे को तो भाई चल बता प्रोफेसर, मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल बता। ऑल राइट गाइस, तो प्रोफेसर से मेरी बात हो चुकी है ब्रो, अगर ये बात सच्ची है ना तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है। इसने मेरे को बोला है कि ये अभी फिलहाल को प्रोटोटाइप है, गेम इसने बनाई हुई है, प्रोटोटाइप चल रहा है बेसिकली, अभी बीटा वर्जन में चल रही है गेम। तो इसने मेरे को बोला है कि इस गेम का नाम है चूज और डाई, मतलब समझते हो, या तो तुम लोग एक चीज को चूज करोगे तो दूसरी चीज मर जाएगी, तो बेसिकली ये एक चूजिंग गेम है, एंड ये मुझे बोल रहा है कि बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज है ये। बट भाई तू मुझे एक बात बता प्रोफेसर ब्रो, हम लोग यार यहाँ गेम के अंदर गेम खेलने आए हैं क्या, मतलब यार हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करें, तो बोल रहे कि ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, ये ऐसा क्या काम का है इस गेम के अंदर जो हमारी इस वक्त हेल्प हो सकती है, टाइम वेस्ट हो रहा है यार, मैं तेरे को सच्ची बता रहा हूँ। और प्रोफेसर साहब इस टाइम का हम लोग बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए भी, क्या तू एक चूज कर, क्या चूज कर भाई, तू एक चूज कर काउ और शीप, अरे भाई तू क्या गेम खेल रहा है, चल शीप चूज करी, शीप चूज करी क्या, अब क्या पीछे जाकर देख, वेट अ सेकंड, पीछे जाकर क्या, ओ वेट पीछे काउ भी है शीप, ब्रो इस गेम का मतलब क्या है मुझे समझा प्रोफेसर, क्या है ये एक चूज कर काउ और शीप, शीप मैंने चूज करी, डन बता व्हाट प्रोफेसर, ओ तूने क्या कर दिया है, माइनक्राफ्ट के अंदर तूने एक ऐसी गेम डिजाइन करी जो कि चूज और डाई, जिसको तू गेम की रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, ओ माय गॉड, वेट ब्रो मुझे कुछ और दिखा, मुझे और एग्जांपल्स दिखा इसके, और एग्जांपल्स दिखा इसके, सही सही है ना भाई, बहुत सारा सही है, मुझे इसके और एग्जांपल्स दिखा, और क्या क्या कर सकता तेरा ये गेम। ऑल राइट गाइस, तो प्रोफेसर ने यहाँ पर दूसरा वाला सिस्टम लगा दिया कुछ, तो प्रोफेसर ये वाला क्या है, ये वाला क्या करता है मुझे बताओ, ये कोऑर्डिनेट वाला है, हाँ देखो ना यहाँ पे गाइस ज्योग्राफिक वो कुछ बना हुआ है, ओ माय गॉड ब्रो बता क्या करना है, एक चूज कर 1280 720 या तो फिर 1870 890, सेकंड वाला 1870 890 वाला, मैंने इसको चूज किया प्रोफेसर, ओके क्या होने वाला है मेरे को समझ नहीं आ रहा, पक्का 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 भाई, पक्का भाई पक्का, क्यों बोल रहा है यार मेरे को डर लग रहा है भाई, ऐसा भी क्या होने वाला है, ओके ठीक है सेकंड वाला गारंटेड सेकंड वाला। भाई इस स्क्रीन को देखकर तो मेरे को लिटरली दिल में धक धक हो रही है, कुछ तो मस्त होने वाला है, अपने कान खोल के रखो, डन है भाई डन है, मैं अपने कान एकदम तगड़े वाले खोल के रखने वाला हूँ,
अभी मजा आएगा ना वीडियो भाई, पर वैसे तो मुझे डरा रहा यार, ये तो बहुत ही तगड़ी गेम इसने डिजाइन करी हुई है। अभी मजा आएगा भाई, सच में मजा आने वाला 110%। वहाँ पीछे घोड़ा भी मजे ले रहा था, लिटरली बोल रहा भाई मैं तुम लोगों को। प्रोफेसर इतना टाइम क्यों लग रहा है ब्रो, जल्दी करो ना, क्या सीन हो रहा है ये भाई? सब भाई तुम लोग देख रहे हैं अपने, लिटरली ऊपर से कोडिंग चल, डन कोडिंग चल, व्हाट ये क्या था ब्रो, ये कैसी बात थी? वेट साले, तूने वहां पे धमाके कराए क्या, वो भी इस गेम के थ्रू? ओह माय गॉड, दिस गाय इज अ जीनियस, तूने बहुत ही तगड़ी चीज इन्वेंट करी, तुझे पता है अगर ये किसी के गलत हाथे पड़गी ना प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े कांड हो जाने वाले हमारे। मेरे को उस कोऑर्डिनेट पे लेके जा, जल्दी जल्दी लेके जा, कहां पर वाला कोऑर्डिनेट, जल्दी लेके जा उस जगह पे मेरे को। चल चल भागो, चल चल चल, चल आ रहा हूं मैं। ओह माय गॉड भाई, ये क्या बंदा है यार, बहुत नेक्स्ट लेवल बंदा है। ऑल राइट, पहुंचने वाले हैं, प्रोफेसर साहब ने मुझे डरा के रखा हुआ है, ये बोल रहा है कि भाई तू अभी आगे आगे देख मैं क्या करता हूं। अभी बात अभी चीज बीटा वर्जन में है, ये असली, व्हाट द हेल ब्रो, ये पूरा गड्ढा इसी ने गेम ने किया अभी अभी जस्ट, आर यू सीरियस ब्रो, इतना बड़ा गड्ढा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। हमारे पीछे इतनी एंटिटीज पड़ी, इतने धमाके हुए, बट इतना गहरा गड्ढा, वो भी इतने बड़े डायमीटर का, मैंने पहली, भाई हाउ इज दिस पॉसिबल डूड, ऐसा भी क्या लगाया तूने इस गेम के अंदर, बहुत तगड़ा, इस गेम का AI बहुत भारी है। अच्छा तो मतलब तूने इस पे काम बहुत तगड़ा किया, जो ऑर्डर दो करके ही देता है ब्रो, तूने मतलब कोई बहुत तगड़े वाली कमांड रन करी, दैट्स व्हाई इसने तेरी इतने बड़े गड्ढे वाली ऑर्डर पूरा किया है भाई। वेट 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 गाइस, ओ माय गॉड, मेरे दिमाग में बहुत ही तगड़ी खुराफ आता है। प्रोफेसर देख, जो तो तू इसको बोल रहा है, जो तूने इस पे फीड किया है, वो तो कर ही रहा है, मेरे दिमाग में भी बहुत तगड़ी खुराफा चल रही है, क्या ये वो चीज पूरी कर सकता है? बस मुझे ये बता दे, कंफर्मेशन मिल जाएगी तो जो बोलोगे वो करेगा, बोलो बस ब्रो। चल चल चल, वापस आ वापस आ वापस आ, चल एक बार इधर आ इस गेम के पास। ये बदसूरत ये कहां से आई भाई, हेलो। ओके मैं बोल रहा गाइस कि तू एक बार मेरे साथ वापस चल, और अभी मेरे दिमाग में गाइस एक बहुत तगड़ी चीज आई है, इस गेम का इस्तेमाल तो हम लोग बहुत ही एपिक वे में भी कर सकते हैं, आज सब कर देंगे, चल भाई आजा जल्दी जल्दी चल। ऑल राइट प्रोफेसर साहब, अभी आपको इस गेम के अंदर ना मेरा एक बहुत ही तगड़ा सा काम करना है, क्योंकि आपने रियल लाइफ के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है, मेरा काम इससे हो जाएगा 100% हो जाएगा मेरे को जो लगता है। इसके अंदर तू अभी दो बंदों के नाम फीड करने वाला है, SGO का एंड ड्रीम बॉय का, ठीक है ना भाई? अभी अरे यार नहीं लिख रहा है ये, OMG मार देगा ये गेम उन्हें, अरे ब्रो आई नो वो मार सकता है ये गेम उन्हें, बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसी के लिए तो मैं हूँ यहाँ पर बैठा हुआ है ना भाई, कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ, तब तक उन दोनों को कुछ नहीं होगा। और अभी फिलहाल के लिए हमको क्या करना है, इस गेम के अंदर SGO और ड्रीम बॉय का नाम आपको डालना है, तब मैं ड्रीम बॉय का नाम सिलेक्ट करूंगा भाई, समझ रहे हो आप? पर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भाई सुन मेरी बात सुन, ड्रीम बॉय के साथ हो चुका है कांड, किंग ओडिन ने उसके कान भर दिए हैं, और बेसिकली अभी फिलहाल को हम लोगों ने वहां पे एक नकली किंग ओडिन भी डाल दिया, स्टिल बंदा मान नहीं रहा है, तो मुझे ना मेरे दिमाग में भी प्लान आया कि क्यों ना मैं तेरी इस गेम के थ्रू उसके ऊपर नेचुरल आफदा डाल दूं, और एंड में उसको खुद बचाने जाऊं। सोच जब मैं उसको बचाऊंगा तो उसको मेरे पे विश्वास हो जाएगा दोबारा से, ये मस्त आइडिया है, इससे तो पक्का मान जाएगा 100%, मैं यही बोल रहा हूं ब्रो। जा और फटाफट इसको फीड कर, और मैं ड्रीम बॉय को बचाने जाऊंगा, एंड उसके बाद वो बंदा मेरी साइड मान जाएगा भाई। जा प्रोफेसर काम कर ले भाई, जल्दी जल्दी जितना फास्ट तू ये काम कर सकता है ना कर, डन। 2 मिनट तो बस मैगी से तेज करूंगा ये, डन है मेरे भाई। और तो ये मेरा प्लान है भाई देवे, कि अगर मैं खुद उसको मुसीबत पर डालूंगा तो बेसिकली तुम लोगों को पता होगा आज के टाइम पे क्या होता है, जो एंटी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी जो लाइक एंटी क्या बोलते हैं उसको, वायरस कंपनीज होती है जो एंटी वायरस बनाती है, वायरस भी खुद बना के मार्केट में छोड़ देगी और एंटी वायरस खुद का बेचेगी, समझो तुम लोग तेज होते भाई। ये गया गर्म पानी और मैगी मसाला, लेट्स गो, प्रोफेसर साहब बहुत बढ़िया से काम कर रहा है गाइस, एंड यही स्ट्रेटेजी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले, ड्रीम बॉय को खुद मुसीबत में डालूंगा और फिर उसको खुद बचाऊंगा भी, है ना एकदम तगड़ी चीज। अगर मैं उसके ऊपर लाइक अभी असैसिन्स वगैरह छोड़ता नॉर्मल से, लाइक कोई बंदे बंदे 10-12 वो उनको आराम से मार देता, किंग ओडिन की आर्मी ही बहुत बड़ी है उसके पास, पर सोचे कंप्यूटर उसको जब मुसीबत में डालेगा तो तुम्हारा भाई उसको बचाएगा। प्रोफेसर आप बस आप जल्दी जल्दी करो यार, डन। ओह थैंक यू प्रोफेसर साहब, भाई एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। प्रोफेसर चल अब मुझे फटाफट बता कि ये गेम कैसे ड्रीम बॉय के ऊपर हमला करने वाली है, ताकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हो सकूं और ड्रीम बॉय को बचा सकूं पूरे तरीके से। भाई अभी तो गाइस वो बंदा मानने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता क्या? ओ भाई लिख रहा है, पागल हो गया क्या? जल्दी बता मेरे को, टाइम नहीं है, पागल हो क्या? ये गेम खुद से नेचुरली करेगा जो भी कर,
प्रोफेसर तू ये क्या बकवास कर रहा है भाई, ऐसा मत बोल यार, ये गेम खुद से तो कुछ भी कर सकता है, मुझे अपने हाथ में कुछ नहीं है। प्रोफेसर स्वेयर टू गॉड मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जस्ट टेल मी कि तू मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ब्रो, गेम खुद से करेगा, ये क्या बात हुई? तूने एक सेकंड रुक, जो तूने अभी ये काओ और ये शीप वाला सिस्टम किया, क्या तूने इसमें ऐड नहीं किया था? जो तूने वो अभी धमाके वाला सिस्टम किया, क्या तूने इसमें गेम के अंदर ऐड नहीं किया था कि वहां पे धमाका होना चाहिए, यहाँ पे शीप को लाइटनिंग से ही मारना है? हाँ वो तो मैंने खुद से डाला था, तो खुद से डाला था तो यहाँ पर क्या किया तूने, यहाँ पर क्यों नहीं डाला तूने, यहाँ पर डालना भूल, प्रोफेसर तू यहाँ पे डालना भूल गया तूने, इसका मतलब गेम को ऑटोमेटिकली उसमें डाल दिया कि लाइक ऑटोमेटिकली कुछ भी करके ड्रीम बॉय को, ब्रो आर यू सीरियस भाई, गेम तो कुछ भी कर सकता है ड्रीम बॉय के साथ, ये क्या बंदा है, मुझे बता दे रहा है ये गेम कितने टाइम में हमला स्टार्ट करेगी ड्रीम बॉय के ऊपर, हैं एटलीस्ट उसको मैं सेफ जगह पे तो लेकर, तो मेरी बात भी नहीं मानने वाला, आई एम टेलिंग यू गाइज, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्स, ब्रो तू पागल है, एक नंबर का तू पागल है, 45 मिनट तो मुझे किंगडम पहुंचने में लग जाएंगे, इसने मरवा दिया ड्रीम बॉय को गाइज, शिट। अब प्रोफेसर साहब ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, ब्रो ये कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अभी इसने मुझे खुद बताई थी ये बात भाई, ये जो गेम है इसका एआई इतना स्ट्रांग है कि कुछ भी इसको बोल दो तो ये करके ही रहता है, ड्रीम बॉय को ये मार के ही रहेगा भाई, अब मैं कैसे बचाऊंगा मैं ड्रीम बॉय को, माय गॉड मुझे पता भी नहीं हो कैसे, गाइस मेरे दिमाग में प्लान ये था कि ये गेम के अंदर सेट करेगा कि ड्रीम बॉय को मारना है, और ये मुझे बताएगा कि ड्रीम बॉय को ऐसे मारेगा, इस गड्ढे में डालेगा, इस जगह पे डालेगा, इस कोऑर्डिनेट पे डालेगा, पूरी डिटेल बताएगा, और मैं ड्रीम बॉय को खुद से बचा दूंगा, अब मैं ड्रीम बॉय को खुद से कैसे बचाऊं जो मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कैसे मरने वाला है, ब्रो इसने मरवा दिया भाई, आई एम टेलिंग यू, मतलब छोड़ो भाई मैं फटाफट जा रहा हूँ ड्रीम बॉय के पास, 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्स, यहाँ से किंगडम पहुँचने में 45 मिनट तो लगते ही लगते हैं, अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है गाइस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमें कैसे तो उड़ के जो, काश मैं वो इलाइट्रा होती भाई, इलाइट यार मुझे इस बंदे से इलाइट्रा मांगनी चाहिए थी एक्चुअल में यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है भाई ये गाइस। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, सो मैं पहुंच चुका हूं यहां पे किंगडम के पास, अभी मैं यहां पे मेरे को डर लग रहा है, मेरे को गाइस ऑलमोस्ट कितने 55 मिनट्स हो चुके हैं किंगडम पहुंचते पहुंचते, इतना सारा टाइम लगता ऑलमोस्ट 1 घंटा, ड्रीम बॉय हेलो 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 मेरे भाई, आवाज आ रही है, प्लीज टेल मी कि तू सेफ है, अगर अभी सेफ हो गाइस मैं इसको ऑलरेडी यहां पे आगाह कर दूंगा, कहां हो आप स्मार्टी, यहां जल्दी कहां, कमांडर ब्रो कहां है तू, कमांडर मेरे को बता जल्दी, शिटू मैं क्या कर रहा हूं, ये फ्रंट यार्ड में आ जाओ, फ्रंट यार्ड तो भाई दूसरी साइड के, ले रुक गाइस मैं फटाफट जा रहा हूं, क्या हो गया भाई मुझे बता एक बारी जल्दी, ड्रीम बॉय कहां पर है भाई, उसकी जान बहुत तगड़े वाली खतरे में, एक बहुत बड़ी गड़बड़ मैंने यहां पर कर दी है, उसके सामने हाय छेद हो गया मतलब व्हाट, ओ माय गॉड, नो वे डूड, ओके ब्रो डोंट टेल मी कि ड्रीम बॉय, अरे गया ड्रीम बॉय गड्ढे में, ओह माय गॉड ब्रो मुझे बता एक बार कब कब जैसे गया बंदा, मुझे बता एक बार, 7 से 8 मिनट हो भी गए, ओ शिट डूड ब्रो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके, पर ये हुआ क्या कमांडर भाई, मैं आपको ना ये चीज़ बाद में बताऊंगा, बहुत बड़ा कांड हो चुका है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अभी वाली, बहुत बड़ी गलती कर दी गाइस, अभी मैं बस डायर नीचे कूद रहा हूँ, और भाई तू बस सेफ रही हो ठीक है ना, गणपति बापा मोरिया, मैं जा रहा हूँ भाई नीचे, दैट्स इट, देखी जाएगी भाई साहब, यो अंधेरा के स्क्रीन पे, यो वेट ये मैं कहाँ पे, ओ माय गॉड ये कौन है पीछे मेरे, बदसूरत है खड़ा भाग यहाँ से, ये की है क्या, की है ये, निकल 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 निकल, नो 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 ब्रो आई एम अ क्लच गॉड एक्चुअल में, निकल यहाँ से भाई साहब, निकल 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 निकल, ओ माय गॉड भाई हटा दे यार मुझे कुछ सामने दिख नहीं रहा है ब्रो, ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज दिस ब्रो, इस कंप्यूटर ने क्या जगह जनरेट करी है, फाइनली मैं इससे इतना दूर हूं कि बदसूरत साला मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ है फिलहाल के लिए, ब्रो ये क्या ही की मेरे हाथ पे क्या कर रही है, खैर गाइस ये सब छोड़ो, आगे के लिए चल नीचे मत गिरो इस पार्टी, नहीं 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 नहीं, ये कितना ट्रिपी पार्कोर है भाई साहब, ज्यादा और कम है, मुझे गाइस प्रोफेसर साहब ने बोला है कि ये कंप्यूटर जब किसी एक बंदे को मारने की ठान लेता है तो कोई काम करने की ठान लेता है, कंप्यूटर बोल रहा भाई गेम तो भाई वो करके ही रहता है, इसका एआई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो अभी ड्रीम बॉय पता नहीं कहां पे, ड्रीम बॉय देखो मेरी आवाज आ रही है, हेलो पक्का वो इसी बिल्डिंग के अंदर है भाई, क्या बिल्डिंग है, कुतुब मीनार जैसी भाई, ओ माय गॉड ओके टाइमिंग के साथ जाना पड़ेगा, जय माता दी 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 जय माता दी, चल 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 चल, ओ माय गॉड तुम्हारा भाई क्या तगड़ा बंदा है, डोर इज लॉक्ड ओके, ओ लेट्स गो भाई,
जेड़ा मर्जी AI वाला का गेम आ जाए भाई, हमसे कोई नहीं जीत सकता, हम ही जीते। ब्रो व्हाट द हेल इज दिस। ओके मुझे यहाँ पे ना धीरे धीरे करके नीचे पहुंचना है। ड्रीम बॉय भाई अगर तक मेरी आवाज आ रही है तो मुझे भी तेरी आवाज तभी आएगा कि तू कुछ बोलेगा। बोलता रहा भाई, हेलो 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 हेलो। अरे भाई मैं इतनी देर से भाग रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या अटक गया हूँ मैं अजीब सी जगह पे यार, खत्म ही नहीं हो रहा है यार। भाग रहा हूँ पीछे आ रहा हूँ, भाग रहा हूँ पीछे आ रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ आगे जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। व्हाट इज दिस इल्यूजन यार, पता नहीं कौन बेवकूफ के बच्चे ने मेरे को यहाँ पे ट्रैप किया हुआ यार। मैं उसका मोर बना दूंगा मेरे सामने तो आ जाए, पर होगा कौन, ये भैंस की तरह रेल बना दूंगा बेटे अगर सुन रहे तो। धीरे धीरे करके मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। ओ माई गॉड भाई, ये ही नहीं करना जो अभी करा होने वाली हरकतें। मेरे को बस यहाँ पे डैमेज वगैरह नहीं खाना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी कुछ भी चीज हील करने के लिए नहीं है, ठीक है ना भाई। आराम आराम से चलना पड़ेगा मेरे को। ओके रास्ता यहाँ पर है, अगला रास्ता हमारा यहाँ पर है, अगला यहाँ पर है, और ऐसे करते करते धीरे धीरे करके हम लोग नीचे पहुंचने वाले हैं। आई रियली होप कि ड्रीम बॉय मुझे नीचे मिल जाए बस एक बार, क्योंकि रास्ता मुझे वहीं पे लेके जा रहा है। गाइस मैं तुम लोगों को लिटरली बोल रहा हूँ यार, मैं ऊपर से लेके आधे रास्ते नीचे आ गया, मेरे को लग रहा है ना मैं सिर्फ और सिर्फ इस जगह में गहरा फंसता जा रहा हूँ और इसका कोई एंड ही नहीं है। अगर नीचे ड्रीम बॉय नहीं हुआ फिर मैं क्या करने वाला भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। रुको एक बारी, थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ मैं एक बारी। ड्रीम बॉय, अरे स्मार्टी भाई, स्मार्टी भाई आवाज आ रही है। हेलो मेरे को तो दिख रहा है ड्रीम बॉय भाई, हेलो यार देखो यार देखो पीछे देखो पीछे देखो, काऊ काऊ काऊ, अरे पीछे देख पीछे देख, पीछे तो कुछ नहीं है भाई। अरे पीछे तो कुछ भी नहीं है, पीछे तो डेड एंड है, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई अब कहाँ से देख रहे हो, जल्दी पीछे, बताओ प्लीज। सामने मत भागो ड्रीम बॉय, पीछे देखो मैं आपको बचाने आया हूँ यहाँ पे। पीछे पीछे तो कुछ भी नहीं है यार, पीछे भाई ये अंधा हो गया है, डेड एंड है। आर यू अंधा, मुझे दो तीन ड्रीम बॉय क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है ये। मानता हूँ भाई काला चश्मा पहना हुआ है लेकिन अंधा तो नहीं हूँ मैं भाई, मेरे को सच्ची कुछ नहीं दिख रहा है ब्रो। ड्रीम बॉय आप मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मैं इसको देख पा रहा हूँ पर ये मेरे को नहीं देख पा रहा है। अरे भाई मैं पता है क्या, खुद को इनफाइनाइट ऐसे लूप में देख पा रहा हूँ, 3, 4, 5, 6 ड्रीम बॉय एक साथ है सामने सामने, और ये डेड डेड एंड मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, कितने आगे भाग लूं डेड एंड आ जाता है। भाई मैं कहाँ पे आ गया हूँ ये, हेलो। अरे यार भाई मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं कुछ फंसा हुआ हूँ यार। आपको इससे पहले ऊपर वो कोई ऐसे ट्रैप्स वगैरह मिले, ये जो लाइक ऐसे भागने वाले थे जहाँ पे वो पीछे वार्डन खड़ा था वो सब कुछ? मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बस अचानक से यहाँ पे आ गया हूँ। आप डायरेक्ट रिलीजन में आए, एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, आपको पता है भाई एक बहुत बड़ा कांड हो गया, लास्ट में बताऊंगा आपको कांड क्या हुआ है। गाइस ये जो चीज है ना जिसने वाला कांड किया हुआ है भाई, उसने मेरे को अलग से सिस्टम में डाला, इसको अलग सिस्टम में डाला क्योंकि मैं ड्रीम बॉय आपको बचाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। मैं इसके ये क्या है, स्टिक क्यों यहाँ पे नीचे पड़ी हुई, ये क्या चल रहा है? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ? अरे ब्रो मैं आपको बचाने आया हूँ इसीलिए। पर आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे अटका हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था जब मैं यहाँ पे फंसा था। अरे ब्रो आप ये मान के चल लो कि मेरे को ना ऐसे पता नहीं। वेट ये क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, ये भाई तो होना भाई ऐसे कर रही है। नो वेट कौन ब्रो, मेरे को बल्कि ड्रीम बॉय आप भी दिख रहे हो, नेम टैग नहीं दिख रहा मेरा, आपको पीछे देखो पीछे देखो पीछे भाई, मेरे कहीं पे तो दिख रहा होगा सच में, मेरे को कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं ब्रो। आई एम टेलिंग यू ये बहुत ही अजीब सी चीज है, ये ट्रैप मुझे पिचका देने वाला है यहाँ पे ब्रो। मेरे को बाहर निकलना है यहाँ से, मेरे को बाहर निकलना है, 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 चल 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 कैसे बाहर निकलूं ब्रो, इट्स इम्पॉसिबल ब्रो। तुम लोग गाइस गौर से देखो एक बार इसको, ओ माय फ्रीकिंग गॉड, ये मुझे पिचका देने। मैं समझ गया यहाँ पर क्या करना है, मैं समझ गया पर क्या करना है, मैं समझ गया पर क्या करना है। अगर मैं मरना बंद करूंगा तो बेस्ट काम हो जाएगा ये वाला। नो नो नो, एक 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 स्टिक है शापा, आजा 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 आजा। नो 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 नो, I'm gonna die। भाई कुछ भी करो जिंदा रहो, एटलीस्ट जिंदा रहो, मेरे को निकालो यार यहाँ से अगर आपको पता है। भाई भाई ड्रीम बॉय भी कांड होने वाला है, अभी तो चुप हो जा भाई 2 सेकंड के लिए, आपके पीछे नो 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 नो, वन हार्ट। नो 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 नो, चल 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 चल, इसको मैं यहाँ पे मैं एक हार्ट पे मैं मर सकता अभी कभी, मैं यहाँ पे छोड़ नहीं, बस मरना नहीं, कुछ हेलो खाने का तो मैं बच गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड ब्रो, बच गए ना आप, मेरी आवाज आ रही है ना, मैं बच गया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, फिर मेरे को ही बचाओ ना, मेरी हेल्थ भी पूरी हो रही है, मैं आ रहा हूं, मैं आपको बचाने के लिए भी आ रहा हूं, मैं अब भी आ रहा हूं, बस एक सेकंड दो। आपके पास कोई TNT कुछ है तो फाड़ दो भाई, अगर अरे भाई तू देख पीछे देख पीछे देखे भाई का पीछे देख, क्या देखूं भाई पीछे, ब्राउनी केक लग रहा है मेरे को पीछे, यहां देख सामने मेरे बेटे। ओ शिट ब्रो, ओ शिट, आपके ट्रिपी चीज दिखाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ओ माय गॉड, यहां देखो आई एम बैक, यहां देखो देख रहा हूं देख रहा हूँ। अरे भाई बाहर से देखो कैसा लग रहा है
ब्रू कुछ अलग सी चीज, और आप इसको तोड़ नहीं पा रहे थे क्या खुद से? अरे नहीं टूट रहा था, पीछे देख ट्विन बॉय, पीछे देख वहाँ पे एग्जिट लिखा, चल 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 चल, आई थिंक एग्जिट ही फास्ट फास्ट एग्जिट लिखा वहाँ पे, चल चल निकल निकल निकल। इससे पहले क्या आप लोग यहाँ पे फंसाया किसने हमें? ब्रो एक बहुत ही लंबी कहानी, आपको पता है हिमलैंड्स के अंदर एक ऐसा अजीब सा बंदा आ गया, तो कुछ आ गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है कुछ अजीब से हरकतें करने के लिए, एंड आपको मारने की सुपारी ली है उसने, सुपारी। ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा कोई बॉम्ब वगैरह बनाता है? मे भी हो सकता है, आई डोंट नो, मे भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बॉम्ब वगैरह भी बनाता हो, बट द थिंग इज उसने आपको मारने की सुपारी ली है, एंड जब मैं आपको बचाने के लिए आया तो उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज ने मेरे को ना ऊपर डाला है। यहाँ देखो ऊपर दिख रहा है, ऊपर का पार करके आया हूँ मैं, साला ऊपर वार्डन था, सब कुछ था, सब कुछ कांड हो रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे, और आपको डायरेक्ट उसमें डाला हुआ था वहाँ पे ट्रिपी सी चीज में। मैं समझ गया भाई, बट कुछ भी हो सकता है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे कैसे आया? अरे मैं किंगडम गया, छेद था वहाँ पे, बंदा था कमांडर, उसने मेरे को बोला भाई, और बाद में कमांडर वापस आ चुका किंगडम वाला, उसने मेरे को बोला कि भाई साहब छेद में डिम्बर गिर चुका नीचे, मेरे को लगा मैं आपको बचाने आ रहा हूँ भाई कुछ भी हो जाए, पर ठीक है ओके ओके, बट कोई था ही नहीं जब मैं यहाँ पे आया, तो कमांडर को भी कमांडर कैसे पता ने देखा आपको गिरते हुए, 7 से 8 मिनट हो गए थे गिरते हुए आपको। चलो छोड़ो भाई यहाँ पे भाई, एग्जिट लिखा हुआ है, चलो और भाई भाई मेरे को वैसे डर तो लग रहा है यार, अगर ये साला एग्जिट की जगह पे कुछ और हुआ फिर क्या करेंगे हम लोग यार? अरे क्या ही होगा, चलो 1 2 3 लेट्स गो। ये मैं कहाँ गया हूँ ब्रो? ये झाड़ फूक है, ये क्या, ये सब टूट रहा है भाई यहाँ पे डिम्बॉय। अरे मेरे से कौन सा टूट रहा है यार? वेट अ सेकंड, आप कहाँ पे हो डिम्बॉय? आप कहाँ पे हो? अरे यही तो, ये मेरे आसपास ये झाड़ फूक है, झाड़ियाँ वाड़ियाँ। ऊपर देख मेरे भाई, ऊपर देख। Oh my God, I can see you literally, bro. No, आप फंस गए हो क्या? Bro, मेरे ऊपर देख एक बार, ये एनविल ऐसा ले, ये मुझे मार देगी। Oh shit. और मैं यहाँ पे इसको तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, swear to God मैं कुछ नहीं तोड़ पा रहा हूँ यहाँ पे। आप तोड़ पा रही हो? आप तोड़ पा रही हो? अरे मैं कुछ नहीं तोड़ पा रहा, everything is zero for me right now bro. All right guys, तो मैंने ना अभी डिम्बॉय को यहाँ पे म्यूट किया हुआ है, मेरे को सुन नहीं सकता guys. ये जो AI वाली गेम है ना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजर गेम है, तुम्हें पता है इस गेम ने ना डिम्बॉय को मारने के लिए इसको लिटरली उस इन्फिनिट लूप में डाला जहाँ पर एक कुछ भी ब्लॉक तोड़ नहीं पा रहा था, ये हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे अटका रह जाता और इसकी हंगर बार कम होती इवेंचुअली और ये मर जाते, कभी हेमलैंड में रिटर्न नहीं करता। ये गेम ने डिम्बॉय को बहुत इंटेलिजेंट वे से मारने की कोशिश करी है, सैचुरेशन को खत्म, लाइक हंगर बार को जीरो करके। तुम लोग समझ रहे हो ऐसा माइनक्राफ्ट में कोई नहीं मरता है, जैसा डिम्बॉय को मारने वाली थी, एंड अगर गलती से डिम्बॉय उसको पार कर लेगा तो उसको एक अजीब सी मेज में डाल दिया और मुझे ऐसी जगह पर डाला जहां से मैं एक्चुअल में इसकी मदद कर सकता हूँ। तुम लोग समझ रहे हो ये जो गेम है ना, ये एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, ये मुझे देख रहा है इसको शक हो जाएगा भाई, मैं तब से बोल नहीं रहा हूं, ये गेम ना लिटरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बनाने में ताकि हम लोग गेम के अंदर गेम खेले, बट एट द सेम टाइम हमको मारने, मेरे भी जान खतरे में। खैर मैंने बहुत टाइम ले लिया, रुको मैं अनम्यूट करता हूं एक बार को। ऑलराइट ड्रीमबॉय हेलो, क्या कर रहे हो यार भाई, इतनी देर से चुप बैठे हो भाई, मैं बोले जा रहा हूं। मेरे को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बंदे ने म्यूट कर दिया, आई थिंक हम लोगों को मिलकर इस मेज को पार करना। ड्रीमबॉय आप एक काम करो, सामने आओ, सामने ये चलो। बंदा है कौन? मेरे को जिस दिन ये मिल गया ना, देखना मेरी एक्स और इसकी खोपड़ी दोनों भिड़ेंगी एक साथ, देखना उसका जो मोर ना बना दूं। एक बार मुझे फिगर आउट करना, यहाँ से जाएगा रास्ता गाइस, देखो ये वाला, यहाँ से ये वाला, अब ये वाला रास्ता यहाँ से जाते थे, देखो आगे बंद हो रहा है, मुझे यहाँ से घुमा कर ड्रीम पर, होली शिट डूड, मुझे पूरा घुमा के लाना पड़ेगा इस बंदे को, जल्दी बोलो ना, मैं बस फॉलो करूंगा, लेट्स गो ब्रो। आपको ना यहाँ से राइट जाना पड़ेगा, राइट मुड़ गए, राइट जाओ, जाते रहो बस इस रास्ते में, जाते रहो जाते रहो शाबा, जहाँ भी रास्ता जा रहा बस वही जाते रहो आप। मैं F5 में देख सकता हूँ क्या? वेट मेरे को ट्राई, नहीं यार F5 में पूरा थोड़ी देख पाऊंगा, नहीं देख पा रहा, वापस जाओ इस रास्ते में, वापस जाओ और यहाँ से राइट वाला लेना, राइट लो भाई, यहाँ पे डेड एंड है, मैं जा रहा हूँ वापस से, वापस जाओ डिम्बॉय। अरे वापस का रास्ता कहाँ है? हाँ सही सही सही, यही वाला इधर इधर, हाँ ये वाला, ठीक है ना, रास्ता ढूंढना पड़ेगा मेरे भाई, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, आप दूसरी साइड के लिए जाओ एक बारी, मे बी इस साइड से रास्ता मिल जाएगा, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, वापस आना पड़ेगा आपको एक बारी, वापस आना पड़ेगा एक बारी, यहाँ से सीधा जाओ, सीधा यहाँ से सीधा वाला पीछे 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 पीछे, अब यहाँ से राइट जाओ, यहाँ से राइट जाओ, ये इमीडिएट राइट, अब यहाँ से राइट जाओ, इमीडिएट राइट, यहाँ से हम लोग इसको ट्राई कर सकते, यहाँ से राइट जाओ एक और बारी, यहाँ से राइट गए, बस यहाँ सीधा जाओ नीचे, अब जिस रास्ते पे जाते रहो, लेफ्ट जाओ, ओके लेफ्ट जाओ। अरे भाई मेरे यहाँ किसी की शादी हो रही हो, गाने बजा रहे हैं भैंस की, मेरा दिमाग गरम हो रहा है, बस कॉपीराइट नहीं आ रही, बस यहाँ पे सीधा जाओ सीधा। ओके ब्रो आई थिंक हम लोग पहुंच सकते हैं, ओके सही है, जाते रहो ट्राई करो। ओह भाई लगता है हम ज्यादा अंदर आ गए अभी, हम लोग बहुत नजदीक इस घर के, जाओ हाँ यहाँ से सीधा जाओ भाई, जो भी रास्ता चूज करोगे आप एक ही जगह जाओगे बस, ठीक है ठीक है, सीधा। ओ माय गॉड,
जाओ सी राइट लेफ्ट 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 गया राइट जाओ राइट जाओ राइट जाओ राइट राइट गया ओके यहाँ पे एक रास्ता है लेफ्ट जाओ लेफ्ट जाओ और राइट गया नहीं 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 वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस वापस आ गए यहाँ से आप लेफ्ट जाओ अपने लेफ्ट लेफ्ट गया राइट जाओ राइट गया पहुंच गए लेफ्ट लेफ्ट पर ओ माय गॉड जल्दी कर रिबे मेरे ऊपर से कहीं गिरना चाहे कर लग गया पहुंच गए बेबी है क्या लेकिन है क्या ये वेट इतना बड़ा घर ये बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं है छोटा ये घर अबे वो ना ट्रैप हो गया कहाँ आप डिबाय भाई मेरे आसपास पता है क्राफ्टिंग टेबल रखे और मैंने एक बटन दबाया वहाँ पे और मैं ट्रैप हो गया भाई यार ये घर बाहर से तो कितना छोटा दिख रहा था पर अंदर आके देखा तो इतना बड़ा निकल गया आपको मैं एक बात बोलूं डिबाय आप सही बोल रहे हो मेरे सामने कम से कम 20 ब्लॉक है अब गाइस मैं तुम लोग को साइड से दिखाता हूँ यहाँ देखो तुम लोग ये घर 4 ब्लॉक का भी नहीं है खत्म हो रहा है 4 ब्लॉक और इसको तुम लोग यहाँ से अगर देखोगे तो साला कम से कम 25-30 ब्लॉक ये क्या मजाक है मैं बोल रहा हूँ ना भाई और अंदर जो एक बटन था मैंने उस बटन को दबाया और मैं ट्रैप हो गया हूँ आसपास मेरे क्राफ्टिंग टेबल और मैं कुछ तोड़ नहीं पा रहा हूँ यार और भाई मेरे को तो ये भी लग रहा है कि मेरा साइज छोटा हो गया भाई मैं अंदर आ गया ब्रो ये कैसा टाइमर है साइड में 2 मिनट का टाइमर मतलब इसका क्या मतलब हुआ वेट डोंट टेल मी आपको बचाना है तो डिबा आपको आसपास का दिख रहा है आपको आसपास का मेरे को आसपास का क्राफ्टिंग टेबल दिख रहा है बाय द वे मैं आई एम अ नूब आपकी आवाज आपको नॉर्मल आ रही है पर मेरे को आपकी आवाज बच्चे ऐसे आ रही है ऐसे दबा हुआ है कुछ स्मार्ट भाई मेरे आसपास प्लैंक है प्लैंक जमीन पे है और क्राफ्टिंग टेबल है जो कि मेरे सामने रखा हुआ है प्लैंक है क्राफ्टिंग टेबल है आप क्राफ्टिंग टेबल के आसपास हो कहीं पे नहीं यहाँ पर तो नहीं है ओके क्राफ्टिंग टेबल है ना आपके आसपास क्राफ्टिंग टेबल बिल्कुल यहाँ पर भी क्राफ्टिंग टेबल है इसके आसपास कहाँ पर है बंदा वेट यहाँ पर तो नहीं है आप छोटे हो ना आप तो कहीं भी हो सकते हो आप कहीं भी हो सकते हो वेट वेट मेरे को कोई तो ट्रैप डोर खुलने की आवाज आ रही थी दोबारा करो हाँ हाँ वेट आपको आई है अभी आई थी अभी आ रही है नहीं अभी नहीं आ रही ओके इसका मतलब आप इस साइड हो ही नहीं आ रहे हट जा मैं टक गया यहाँ पे अभी रुको अभी आ रही है यहाँ पे बहुत सारी क्राफ्टिंग टेबल है यो ड्रीम बॉय ऊपर देख ओ माय गॉड कितना छोटा पर मैं आपको तोड़ नहीं पा रहा हूँ इसको मैं तोड़ नहीं पा रहा 2 मिनट खत्म होने वाले हैं सेकंड यार कहाँ फंस गए हम लोग यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे आयरन की पिकेक्स भी है लेट्स गो भाई पिकेक्स से तो या लेट्स गो टूट रहे ब्रो बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल भाई ये खुल नहीं रहा है ये खुल नहीं रहा है बाहर निकलो जल्दी ये खुल नहीं रहा है ऊपर का टूटेगा ना बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल मैं सब कुछ तोड़ दूंगा ना भाई आ जा ले इसको खोले द ट्रैप डोर इज लॉक्ड द ट्रैप डोर वेट मैं भाई की है की से भी नहीं खुल रहा है कुछ 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 भानिकल 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 टाइमिंग को भानिकल मैं परफेक्ट टाइमिंग टू चूज करो हो जाएगा मेरी उंगली दर्द हो गया देखो मैं एक साथ करते हैं 1 2 3 हो गया लेट्स गो डूड भानिकल का रास्ता भानिकल का रास्ता वो छोटू वाला रास्ता था ये कितना क्यूट सा रास्ता पर बाहर कैसे जाऊं मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं यहां से मेरे को तो क्या मस्त बैकग्राउंड साउंड आ रहा है भाई मेरे घर के पीछे शादी हो रही है मस्त मजा है अरे ब्रो बाहर निकल का रास्ता ड्रीम बॉय जल्दी यहाँ पे रास्ते यहाँ पे जल्दी जल्दी अरे मैं तो निकल सकता हूँ अबे जल्दी यहाँ पे रे भाई कैसा अनपढ़ है कितना स्लो भाई आ रहा भाग 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 रुक जा ये जो की है ना भाई मेरे को उसको फेंकना पड़ेगा ये हो सकता है इधर की भाग यहाँ से पकौड़ी की ऐसे निकल हाँ हम लोग चल पा रहे भाई मेरे को जेब में रख लो यार ऐसे करो ना यार इतना छोटा हूं मैं मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है हाँ हम लोग चल तो रहे बाय द वे यार देखा जाए देखो हम चल रहे एक्चुअल में चल रहे हम लोग पीछे का देखो ओके चल 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 भाग के चल भाग रहा हूँ फुल भाग रहा हूँ भाई पता नहीं कहाँ जा रहे साले हम लोग ये चल 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 भाई कहाँ चल दिया भाई साहब फाइनली फ्रीडम इस नीले आकाश में रहकर भाई क्या मजा कहाँ फंस गया हूँ भाई यार मेरी जिंदगी खराब है जिंदगी खराब है कहाँ आप अरे भाई मैं बहुत अजीब सी जगह फंस गया हूँ मेरे सर के ऊपर डेजर्ट है और नीचे यहाँ पे स्काई है पूरा का पूरा क्या हाँ मेरे सर के ऊपर डेजर्ट है एग्जैक्टली और वहाँ से पानी गिर भी नहीं रहा है ऊपर की तरफ मेरे सर के वेट क्या बकवास ओह माय गॉड व्हाट इज ड्रीम बॉय जो मैं ये देख रहा हूँ क्या ये असली है असली माय मैं एक्चुअली ऊपर भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई वो कीड़े नहीं होते वो पेड़ पे उल्टे लटके होते लार्वा के कीड़े ओ शिट मैंने अभी F5 दबा के देखा कि मैं तो उल्टा हूँ आसमान में होली शिट डूड ड्रीम बॉय मेरे भाई रुक जा मैं आ रहा हूँ तेरे पास रुक जा यहाँ देख पीछे 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 देख
ये क्या हो रहा है भाई? ब्रो ये जो बंदा है ना आपको मारने की पूरी हेलो मेरे भाई, नीचे कैसे आएगा? रुक जा, कोई पानी का स्रोत भी नहीं है आसपास यार, यहाँ पे मैं आपको नीचे कैसे गिराऊंगा? मेरी जिंदगी, मेरी कुछ ब्लॉक तोड़ो, कुछ तो तोड़ो। ए यहाँ पे देख, 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 पानी है, यहाँ पर पानी, जल्दी आओ, सामने की साइड हो, सामने की साइड हो, पार्कोर करके आओ। यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। ओके 1 2 3, अरे इजी है पार्कोर, बहुत बढ़िया, शाबाश, आराम आराम से, आराम। भाई तू अगर गिरेगा ना रिमोट तो इनफिनाइट स्पेस में जाने वाला है। मेरे सामने मतलब लिटरली उल्टा यार भाई, दिस इज सो ट्रिपी यार, मेरा सर घूम रहा है ब्रो। आजा अभी हूं मैं, अभी नहीं, अभी आप ऊपर नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट ऊपर नहीं हो आप। बाय द वे अभी एक चीज ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को ब्रो, मेरे भाई ड्रीम बॉय, एक चीज ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। आप ऊपर से कब नीचे गिरोगे? क्या आपके पास कोई टाइमर वगैरह आया हुआ है क्या? मेरे पे कुछ भी नहीं आया हुआ भाई, कुछ भी A to Z कुछ नहीं है। टाइमर तो मेरे पास भी नहीं है, अब क्या करेंगे? आप इधर आ जाइए भाई, अभी आप इसके टॉप पे नहीं हो मेरे भाई, यहाँ देखना मेरे सीध में आना आपको। और मैं कर रहा हूं, मैं कर और सामने, मैं बताता आपको, और सामने आओ, दिस इज गुड। नहीं नहीं ये भी नहीं है, और सामने आना पड़ेगा, ये सीधा यार मेरे को दिख रहा है मेरे। आई एम टेलिंग यू ये सीधा नहीं है, आपको सामने आना पड़ेगा, ठीक है? ये अब इधर और सामने वाले पे, राइट वाले पे आ जा एक बार, और ये वाला परफेक्ट है, ये वाला परफेक्ट है। अभी आपको ऊपर से नीचे गिरना है, पर आप गिरोगे कैसे? मेरे को क्या पता भाई मैं कब गिरने वाला हूँ यार। ओके ठीक है, तू बस यहीं पे रहियो, तू जिंदा तो रहेगा कम से कम। अरे भाई मुझे कैसे पता होगा यार, टाइमर थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, कोई मैं कभी भी गिर सकता हूँ। अरे मेरे भाई ड्रीम भाई, पानी है नीचे मुंह के, आप पानी के बीच गिरने वाले, टेंशन वाले। वे व्हाट ब्रो, ये वेट, ये क्या हुआ? पानी है नीचे, अब भी बोलो ना भाई, पानी है नीचे। ये क्या हुआ है? अभी क्या कर सकते हैं स्माइटी भाई, कुछ सोचो। अगर अगर मैं अभी नीचे गिरा मैं मर जाऊंगा। नहीं आप नहीं गिरोगे, रुको रुको रुको, थोड़ा आगे देखते हैं, मैं कैसे आऊंगा कहां? अरे आप नहीं मरने वाले हो। ए पानी एक और सामने, सामने पानी, आ जा इधर, आ जा जल्दी, आ जाओ जल्दी इधर, आ जाओ जल्दी, पार्कोर करके जल्दी आओ। पार्कोर कर रहा हूं भाई, गलती से भी कोई सीन हुआ ना सीधा हवा हवाई हो जाऊंगा। हवा में आप मरोगे सीधा भाई, वॉइड है वो आपके लिए आकाश इस वक्त, आ जाओ। एग्जैक्टली ब्रो, मेरे पास अब मैं पानी के बीच में जा रहा हूं और सेंटर में यहां पे खड़ा हो रहा हूं। ए सामने प्लेटफार्म बना ऊपर भाई, उस पे आना आपको, जल्दी आओ, उसके सेंटर में आना आपको, वहां पे सामने इस प्लेटफार्म के सेंटर में, सेंटर में, सेंटर में, और मैं पानी से बाहर जा रहा हूं भाई, इसके सेंटर में, बस सेंटर, बस यहीं पे खड़े हो जाओ। अब आप बस ऊपर चुपचाप से बैठे रहो, अब यहाँ पर आप नीचे गिरने वाले भाई, अभी कोई कांड हुआ ना यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। मैं चुपचाप से बैठा हूँ भाई, मैं कुछ बोल नहीं रहा। नहीं भाई कुछ हो रहा है यहाँ पे, मेरे सामने हो ही अभी अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है यहाँ पे, साले कोई है क्या देख रहा है कोई यहाँ पे क्या? हमें मतलब आप एक बात सोच रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारी जगह मेरे को मारने की प्लानिंग है ये ब्रो। आपको उसने उसमें रखा हुआ है सामने मारने के लिए, एक्चुअल में आपका नाम डाला हुआ भाई AI के सामने मारने के लिए, समझे आप? स्मार्टी भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, एक तो आप किंग ओडिन के भी खिलाफ हो यार, वो बंदा कितना सही है, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए थी यार ब्रो, वो कहां से आएगा? मैं आपको क्या बोलूं अब यार, फालतू में लड़ाई झगड़े आपने मेरे साथ करे, किंग ओडिन के खिलाफ मैं कुछ बोलूंगा तो? अभी आपको बस बचाना है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बात की बात है, बात में करने वाला, ठीक है ना? जो मैं बोलूंगा आपको सुनना पड़ेगा, बस आगे की तरफ है एक और जगह पानी है, आ जाओ इस साइड के, इस साइड के आ जाओ बेबारी। ओके मैं भाग रहा हूँ, क्या हुआ यहाँ पे गाइस? तुम लोगों के बात बोलो भाई, ये जो गेम है ना ये क्या तगड़ी गेम है। इस गेम के AI को साले को पता चल चुका कि मैं इसकी एक्सटर्नल हेल्प कर रहा हूँ। ड्रीम बॉय इस चीज से बचना उसके लिए इम्पॉसिबल है। ये गेम पता क्या कर रही है? इसको मारने के लिए सिर्फ मार नहीं रही, इसको टॉर्चर कर रही है, इसको उल्टा करके वहां पे टांगा हुआ है। और गेम को लग गया पता कि मैं उसको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली पानी का सेंटर कहां पर है। दैट्स व्हाई ये बार बार इसको लावा में कन्वर्ट कर रही है भाई। ये ना गेम इसको बहुत ही तगड़े तरीके से मारने की ट्राई कर रही है। आई एम टेलिंग यू, कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो ड्रीम बॉय मरने वाला है मेरी वजह से। पूरा मैं क्या करूंगा उसके बाद, सोचो कि मेरी वजह से ड्रीम बॉय मर जाएगा। इसको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे एक बारी। यार कहां गया? अरे ब्रो भाई मैं कुछ नहीं भाई, आप जल्दी जल्दी आ जाओ यहाँ सेंटर में, एक बार आ जाओ, खड़े हो गए आप सेंटर में, खड़े हो जाओ आप इसके सेंटर में, सेंटर में प्लेटफॉर्म के सेंटर में, यानी पल्ली से, हाँ उसके सेंटर में खड़े हो जाओ। दुआ करो भगवान से अभी यहाँ पे कन्वर्ट बिल्कुल भी ना हो। ओके अब अगर ये ऐसा कुछ होता है ना, कन्वर्ट ना हो, मेरे नहीं होगा, वो नहीं हो रहा है। Let's go, let's go, let's go. Cool, नहीं हो रहा है, let's go. भाई ठीक है, आप कभी भी आप ऊपर से नीचे गिरोगे ना, आप शायद से यहीं पर गिरने वाले हो भाई। यार मैं आपको बता रहा हूँ स्माइटी भाई, एक तो आप खिलाफ हो किंग ओडिन के, क्यों हो? कितना सही बंदा है वो हमारा। अरे मेरे भाई ड्रीम, आपको ना कुछ पता नहीं अभी भाई, एक सिक्के का ना दो पहलू होते हैं, क्या करना है इसको हमेशा, ठीक है ना? ये भी हो गया, क्या हुआ? ये भी हो गया। ओ शिट डूड, क्या हो रहा है ये? वेट, इस साले AI को पता चल रहा है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। वेट अ सेकंड ड्रीम भाई, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, एक बहुत अच्छा प्लान है, आप बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक है ना? इससे पहले
कि यहाँ पर गलती से भी आप लावा के बीच में गिर जाओ। आई हैव अ प्लान। आपके पास कुछ ब्लॉक्स वगैरह पड़े हैं क्या ड्रीम भाई? मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, ये होता तो मैं ऐसे निकलना चाहता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को बस आप एक सेकंड दो। आई थिंक ये जो यहाँ पे स्पेशल, आप कुछ सोचो ना ब्रो, पूरे के पूरे डेजर्ट में कहीं भी पानी नहीं है, बट जहाँ जहाँ पर आप खोद रहे हो, हमें जहाँ जहाँ पे आपका पार्कोर है वहीं पर पानी है और वही लावा में कन्वर्ट हो रहा है। आपको मारने की ट्राई हो रही है भाई। मैं आपके लिए अलग से पानी लेकर आऊंगा। मैं आपके अलग से पानी लेकर आऊंगा। संस्कृत में बोल रहा था ना यार, मैं भी तो वही कह रहा हूँ भाई। बस दो सेकंड का टाइम दो आपको, दो सेकंड का टाइम दो आपको, बस आया बस मैं। ऑल राइट ले भाई, आ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, जल्दी आ जाओ प्लीज। मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो भाई, मैं कितना जूम कर पा रहा हूँ भाई। ये लार्वा लग रहा है यार, लार्वा। अरे हाँ जाओ यार, क्या लार्वा। आ रहा भाई, भाग के आ रहा भाई। मेरे टच मत ले, भाग के आ रहा हूँ मैं भाई। बहुत अजीब लग रहा है लेकिन आप सीरियसली बता रहे हो। जल्दी आ सकते हो, आओ ना यार। क्यों कमेंट्री क्यों कर रहे हो, भागने पे फोकस करो ना भाई। बस आ गया, एक सेकंड दे मेरे को। बस पहुंच गया मेरे भाई, बस पहुंच गया। तू एक सेकंड का टाइम मेरे को दे, पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा उसमें। नाइस वन, कूल। इसको मैं यहाँ पे डालूंगा। नाइस वन। अब मेरे पास आपको भरे है, लेकिन वो बहुत दूर है वहां तक तो मेरे पास। यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक और है। आ जाओ यहाँ पर एक और है, जल्दी दियो, जल्दी दियो, जल्दी दियो। यहाँ पर एक और है पहाड़ी का दूसरा, जल्दी दियो पहाड़ी का दूसरा, जल्दी दियो। मैं खाने का कर रहा हूँ, जल्दी दियो, जल्दी दियो। भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ। मैं अपने लिए खाना पका रहा हूँ तब तक, और आप जल्दी जल्दी भाग के आओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है स्मार्टी भाई, ये कब खत्म होगा यार। इस बार मैं मरा ना सीन हो जाएगा भाई। नहीं मरोगे, नहीं मरोगे। पानी है भाई यहाँ पे, आ जाओ सेंटर पे लाता हूँ मैं आपका। जो साइड वाले पे अब साइड कौन सा, राइट भी होता है। सीधा सीधा सीधा, एकदम सीधा, एकदम सीधा। ये वाला नहीं था यार, और सीधा वाले पे हो। आई थिंक ये सेंटर होना चाहिए, शायद से सेंटर है ये, शायद से लग रहा है। रुको रुको देखने दो, ये सेंटर नहीं है मेरे भाई, बट मैं बच जाऊंगा पानी के ऊपर। पानी के ऊपर ही हो ना, बस परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है। अरे ड्रीम बॉय मेरे भाई, टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो। इस बार आप पानी के बीच ही गिरोगे, चेंज नहीं होगा पक्का। मैं भी तो हमेशा वही कहता हूँ यार, की टेंशन लेने की टेंशन नहीं है, लेकिन अभी सच में टेंशन लेने की बात है भाई, मैं मर सकता हूँ। अरे आप नहीं मरोगे, आप पानी के बीच गिरोगे। अभी गिर, अभी गिर यार। अगर मैं मरा ना, अगर मैं मरा ना तो किंगडम का मेरी बढ़िया सी ग्रेवी ऐड बनवा देना स्मार्टी भाई, प्लीज यार। यार ड्रीम भाई फालतू की बातें करने में सबसे आगे, नहीं मरोगे आप। अरे भाई ये लास्ट सोर्स है, गिरोगे आप। नहीं मत गिरो भाई, ब्रो गिरो, ब्रो टाइमर शुरू हो गया, कोई टाइमर शुरू हुआ है। किंग ओडिन, किंग ओडिन तू मुझे बचा सकता है मेरे भाई? किंग ओडिन जल्दी आ। अरे किंग ओडिन कुछ नहीं बचा सकता आपको। अरे स्मार्टी भाई यार आप भी कुछ करो ना, ये क्या कह रहे हो, कुछ नहीं बचा सकते। किंग ओडिन आ रहा है, किंग ओडिन आ रहा है। लेट्स गो, लेट्स गो किंग ओडिन, तू कर सकता है मेरे भाई, तू कर सकता है। लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। बस किंग ओडिन मेरे भाई, तूने बचाया मेरे को। शिट भाई, तू एंड में नहीं आता ना, मैं सच में अभी मर जाता भाई। तू मेरे लिए बोट लेके आया, तू मेरे। और स्मार्टी भाई आप इसकी वो बुराइयां कर रहे थे मेरे सामने। किंग ओडिन भाई मेरे दोस्त, तू लिटरली हाथ मिला ले आज मेरे से। गाइस मैंने अब खुद को म्यूट कर दिया है, किंग ओडिन एक नंबर का नल्ला है भाई। ये क्या टाइमिंग थी, ड्रीम बॉय को लगा कि किंग ओडिन ने वहां पे बोट को प्लेस किया, बट वो मैंने किया था। ओ माय गॉड, अब मैं इसको ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि भाई वो मैंने किया। इसको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं अभी भी किंग ओडिन के खिलाफ हूँ। ये किंग ओडिन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। ओ माय गॉड, तुम लोग समझ यहाँ पर अभी क्या हुआ है, यहाँ पर अभी टाइमिंग खराब हो गया। अरे साला फेक किंग ओडिन, बदसूरत कहीं का, इसको यहाँ पर किसने बोला इसको? मैं भी अगर उस कमांडर का भाई नहीं होता ना, इसको मैं इतने छितर मारता ना कान के नीचे ना। तुम लोग समझे यहाँ पर क्या हुआ ब्रो? मैंने ड्रीम बॉय को बचाया ताकि मैं उसका विश्वास जी सकूं, बट साला वो सारा विश्वास ये ले गया। अब ड्रीम बॉय को मैं कैसे बोलूं कि भाई मैंने बचाया तेरे को, वो ड्रीम इसके खिलाफ कुछ सुनी। ये भगवान, गाइस सब कुछ फेल हो गया है। और तुम लोग समझे, ये साला हमारे फेक किंग ओडिन ने असली वाले किंग ओडिन का साथ दे दिया गलती से। अब मैं क्या, आई कांट डू एनीथिंग ब्रो, को मेरे जाना पड़ेगा, शक हो जाएगा मेरे पे। नहीं तो मैं इसको अनम्यूट करता हूं। भाई जी, भाई तू तो क्रेजी बंदा है यार मेरे किंग ओडिन भाई। ड्रीम बॉय बच गए, समोसे की पार्टी। भाई भाई, और आप या पिछली बार ध्यान है आप क्या बोल रहे थे किंग ओडिन के बारे में? नहीं भाई, किंग ओडिन बड़ा मस्त बंदा यार, मस्त बंदा भाई। एक काम करते हैं गाइस, चलते हैं घर को, चलते हैं, चलो आगे के लिए चलो। चलो भाई चलो चलो, किंग ओडिन मेरे दोस्त, क्या बढ़िया बात करी है। किंग ओडिन समोसे की पार्टी में इतना से तेरे को रियल लाइफ में मिलियो मेरे को कभी। अरे जल्दी जल्दी चलो ना स्मार्टी भाई, इतना धीरे क्यों चल रहे हो यार? हंगर खत्म हो गई यहाँ पे ड्रीम बॉय। अबे यार किंग ओडिन भाई खाने को देना यार स्मार्टी भाई को कुछ। मैं निकलता हूँ भाई, भाग के फटाफट, किंगडम में काफी काम है यार। ठीक है ठीक है, साले नल्ले, इधर 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 इधर।
कमांडर के भाई इधर आ। ओ तू असली तो नहीं है ना, तू कमांडर का भाई है ना भाई, हैं? तू काई को आया बीच में, तेरे को किसने बुलाने के लिए यहाँ पे, हैं? तू पागल है क्या साले, सारा क्रेडिट तू ले गया भाई, तूने सब कुछ खराब। एक काम कर भाग के जा ड्रीम बॉय, मैं खाने में खुद निकालूंगा, भाग के जा जल्दी, वो अकेला चला जाएगा, नहीं तो उसको शक हो जाएगा हम लोग को जुगलबंदी कर रहे हैं, इससे सारा काम खराब कर दिया मेरा यार, कम ऑन यार डूड्स। मैंने भी ड्रीम बॉय से पूछना था कि ये क्यों किंग ओडिन के साथ। गाइस मेरे को ना बहुत दिमाग का काम करना पड़ेगा अब, मेरे दिमाग में ना एक और बहुत ही बिग ब्रेन स्ट्रेटेजी आई है, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में करने वाला हूँ इस किंग ओडिन के खिलाफ, ठीक है ना भाई। इन्फॉर्मेशन तो मैं निकाल कर रहूंगा कि भाई इसने ऐसा क्या किया कि ड्रीम बॉय इसके साथ हो चुका है, पर अभी फिलहाल को मैं खाना खाना निकालता हूँ। एंड या गाइस तुम लोग लाइक एम जरूर कंप्लीट करो ताकि मैं यहाँ पे आगे का काम अच्छे तरीके से कर सकूँ भाई साहब, ठीक है ना गाइस।